यार जो बच्चे पीछे बैठे ना वो इस चैनल वाली रॉ में आ जाओ, ठीक है ना? चैनल वाली रॉ में आ जाइए, आगे तीन बच्चे आ सकते हैं। अच्छा जी भाई स्टार्ट करें फिर। अच्छा जी तो देखें भाई, क्योंकि आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 18 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में स्टार्ट होंगे। एडमिट कार्ड्स अभी थोड़े टाइम में ही जो है वो आपके स्टूडेंट सिक्योर्ड एरिया में आईकेप अपलोड कर देगा, ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है वो सेंटर वगैरह आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ सेंटर आपका पड़ रहा है और डेट्स क्या आ रही है। आज हम जो डे 1 के ऊपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आयशा वालेकुम सलाम बेटा, आज जो हम डे 1 पे हम लोग जो टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, उन टॉपिक्स में जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के बाद जो हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की हम लोग दो चीजें देखेंगे बेटा, इसकी मैनुअल कंप्यूटेशन भी देखेंगे और इसकी कैलकुलेटर ट्रिक भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना? फिर डेरिवेटिव्स के बाद जो हम दूसरा टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे हम लोग मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। एंड मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के बाद हम जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे ज्यादा हम जो टाइम देंगे आज वो देंगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को, ठीक है ना? क्योंकि तो दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 थोड़ा सा बड़ा भी है और थोड़ा सा हम उसको डिटेल में भी देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, सही है ना? फिर उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे डेरिवेटिव्स के ऊपर और फिर देन टाइम बचता है तो आगे के टॉपिक्स हम देखेंगे, ठीक है ना? सब साथ में तो स्टार्ट करें। अच्छा सर जी, प्रोजेक्टर को थोड़ा ऊपर करवा दो। अच्छा जी भाई, तो सब भी सीधा देखेंगे यार स्क्रीन की तरफ। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में मैं रिवाइज करवाता हूँ आप लोग को चीजें, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास दो तरीके की चीजें होती हैं, कौन कौन सी? कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। मतलब मैं बोलूंगा कंपाउंडिंग जो है हमारे पास फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, उसकी दो मेन बाइफर्केशन है, कौन कौन सी? कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कि किसी भी प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना बाय एडिंग द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। और डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? कि किसी भी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में करना बाय एलिमिनेटिंग द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये वही बेसिक डेफिनेशन जो हमने क्लास में डिस्कस करी है, ठीक है ना? अच्छा सर, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास दो तरीके के सवाल होते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस,
और एक जिसको हम लोग मैं बोलता हूँ कौन सा है सवाल, बॉन्ड वाले सवाल, ठीक है ना बेटा। अच्छा अगर मैं ये बोलता हूँ कि सर सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो कि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है हमारे पास, ऐसा ना। अच्छा सर तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अगर मैं कंपाउंडिंग करूंगा तो नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर कंपाउंडिंग का क्या फॉर्मूला होगा, एफ इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आर डी, और बॉन्ड्स के अंदर कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सेम ही है, एस इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर टी ही है ऐसा। अच्छा लेकिन अगर हम डिस्काउंटिंग करते हैं तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू एस ओवर वन प्लस आर टी, लेकिन बॉन्ड्स के अंदर फॉर्मूला क्या है कि प्रोसीड्स इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू और वन माइनस आर टी, ऐसा ये फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा सर फिर हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं कंपाउंडिंग करता हूं तो उसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई की पावर एन, और बॉन्ड के केस में भी फॉर्मूला सेम ही रहता है, एस इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई की पावर एन ही रहता है ऐसा। अच्छा सर और डिस्काउंटिंग के लिए P is equals to S over 1 plus, और मैं बोलता हूँ सेम फॉर्मूला आप बॉन्ड में भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, P is equals to S over 1 plus I की पावर N। लेकिन सर हमारे पास हमने असाइनमेंट सॉल्व किया था उसमें कुछ डेप्रिसिएशन और डी एक्सेलरेशन वाले सवाल भी मौजूद थे हमारे पास, उस केस के अंदर आप अगर डिस्काउंटिंग करते हो तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, P is equals to S over 1 minus I की पावर n, ऐसा बताया था मैंने कि अगर डी एक्सेलरेशन वगैरह हो तो आप ये वाला फॉर्मूला इस केस में आप यूज करिएगा, ठीक है भाई। कॉपी करना जल्दी से ताकि फिर मैं आगे मूव ऑन करूं। शाबाश। मरियम चेक करता हूँ बेटा, अब चेक करिएगा मरियम आवाज सही आ रही है मेरी, अब अब सेट है। जी भाई दोस्तों आगे बढ़ जाऊं मैं, मसला तो नहीं है। ओके सर फिर इसके बाद हमारे पास जो आता है कि एनयूटीज हमारे पास कोर्स में कितनी तरह की हैं, एनयूटीज हमारे कोर्स में दो तरीके की एनयूटीज है, कौन कौन सी, ऑर्डिनरी एनयूटी एंड एनयूटी ड्यू। स्टैट्स भी कवर करूंगा बेटा, सिर्फ मैथ्स नहीं स्टैट्स भी कवर करेंगे, ठीक है ना।
डे टू से हम लोग जो है वो मैथ्स और स्टैट्स दोनों को देखेंगे, सही है भाई। अच्छा एन्यूटी की कंडीशन क्या होती है कि फिक्स अमाउंट ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स और इनकम, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं आपके पास कि फिक्स अमाउंट ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स और इनकम। सेकंड हमारे पास क्या होती है, फिक्स टाइम इंटरवल, दोनों कंडीशन मीट होंगी तो मैं पास एन्यूटी लगा सकता हूं, अदरवाइज नहीं लगा सकता, ठीक है भाई। अच्छा सर तो फिर ऑर्डिनरी एन्यूटी लगाने की कंडीशन क्या है कि पेमेंट और इनकम मेड और रिसीव एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल, शुरू की पहली वाली और दूसरी वाली दोनों कंडीशन सेम है, तीसरी कंडीशन क्या है कि पेमेंट और इनकम मेड और रिसीव एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल। अच्छा सर एन्यूटी ड्यू में भी पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि पेमेंट और इनकम मेड और रिसीव एट द स्टार्ट ऑफ ईच इंटरवल, ऐसा क्या बात समझ में आती है। आगे बढ़े, ओके सर किसमें टाइम फाइनाइट होता है बेटा, इनफाइनाइट टाइम उसमें होता है परपेचुइटी के अंदर, क्योंकि परपेचुइटी के अंदर हम कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना, इनफाइनाइट टाइम होता है। अच्छा सर फिर अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं ऑर्डिनरी एन्यूटी का, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन ओवर आई, और डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या होता है कि पी इज इक्वल टू आर इंटू वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन ओवर आई, ऐसा। और एन्यूटी ड्यू के अंदर क्या होता है बेटा, एस इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन ओवर आई एन वन प्लस आई, ऐसा। और डिस्काउंटिंग के लिए क्या फॉर्मूला यूज करता हूं कि पी इज इक्वल टू आर इंटू वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन ओवर आई एन वन प्लस। यहां पर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रीपेमेंट्स के अमाउंट को, ऐसा, और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पेमेंट्स को, ऐसा। अच्छा सर ये आप लोग अपने पास कॉपी करें, फिर इनका सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट हम जरा रिवाइज कर देंगे, कौन सा फॉर्मूला मुझे किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर लेके आता है। शाबाश, जी भाई डन, सब साथ हैं। अच्छा ब्रेक में अराउंड कोई 2 बजे करीब दूंगा, ठीक है, नमाज का टाइम क्या है, 2 बजे हो जाता है नमाज का टाइम, बस 2 से 2:30 बजे तक का हम लोग ब्रेक करेंगे नमाज का और लंच का एक साथ, ठीक है। लंच का मतलब है, बिलाल इम्तियाज, ओके बिलाल मैं शो करता हूँ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं पॉइंट ऑफ टाइम में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँ, फिर मैं ऊपर वाला शो कर देता हूँ आपको। भाई दोस्तों आगे बढ़ सकता हूँ मैं, अगर पीछे बैठे बच्चों को कोई मसला है तो वो आगे आ सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ आगे राइट हैंड साइड के ऊपर भी जगह है, आगे आ सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये एसी के नीचे भी जगह है, इधर भी जगह है बेटा,
ठीक है ना। हमारे लिए स्टूडेंट स्टूडेंट होता है भाई, ठीक है। हाँ हाँ वो डे वन के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने जब असाइनमेंट आप लोगों को दिया जब मैंने डिफाइन कर दी थी ये बात, ठीक है। पेपर में वही सीन करेंगे कि अगर बॉन्ड्स का सवाल है तो सिंपल इंटरेस्ट लगाना बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज वर्ड कंपाउंडेड स्टेटेड हो तो आप क्या लगाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लेना, सही है, बाय डिफॉल्ट। किससे किस में गलत आता है, मिक्स आते हैं क्या मतलब, हाँ भाई चलो वो देख लेंगे, मसला नहीं है कुछ का ऐसा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आपके पास एग्जाम में जो है ना वो मुश्किल से आए तो 2 से 4 मार्क के आएंगे, ठीक है। और बिल्कुल ही वो बेसिक सवाल होंगे कि इंटरेस्ट बता दो, फ्यूचर वैल्यू बता दो, ठीक है। ज्यादातर जो गेम होगा वो आपके पास एन्यूटीज में आएगा, परपिचुटी में आएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आएगा, स्पॉट वाले सवाल के अंदर तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। ये मेन एरिया है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का, सही है भाई। अच्छा सर फिर मैं सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर लेके आता है तो हमारे ये फॉर्मूला पढ़ना ही जो है ना वो बेकार हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा सर तो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम जरा गौर से देखेंगे सारे, मैं कंपैरिजन आपके सामने शो कर रहा हूं सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। पहले लिख रहे थे हम लोग कंपाउंडिंग, कॉपी कोई नहीं करेगा सब मेरे साथ इधर स्क्रीन की तरफ देखेंगे, ठीक है ना। और यहां पे मैं ऑर्डिनरी एन्यूटी कर देता हूं और यहां मैं एन्यूटी ड्यू करता हूं, मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास एक टाइमलाइन है, ये एयर 0 है, एयर 1 है, एयर 2 है, एयर 3 है एंड एयर 4 है, और मैं 3 एनुअल पेमेंट्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 3 एनुअल पेमेंट्स कर रहा हूँ बैंक में, 3 दफा हर साल पैसे जमा करा रहा हूँ। पहला एक्स कहाँ बनाऊंगा, क्यों, एयर 1 तुम्हें पीरियड का एंड रिप्रेजेंट करता है और एयर 0 तुम्हें पीरियड का स्टार्ट रिप्रेजेंट करता है, ऐसा है। लेकिन सर अगर पहला एक्स में एयर 0 बनाता हूं तो आगे आने वाला हर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड का स्टार्ट रिप्रेजेंट करेगा, एंड रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बात समझ में आती है ना। अच्छा सर तो मैंने 3 एनुअल पेमेंट्स कर दी। अब सर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं ऑर्डिनरी यूनिटी की फ्यूचर वैल्यू का, तो एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 ओवर, अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं ऊपर वाली टाइमलाइन के ऊपर तो मैं किधर जाऊंगा, है भाई, एयर 3 के एंड पे, क्योंकि मैंने आपको एक नोट लिखवाया था उसमें लिखा हुआ था क्या कि ऑर्डिनरी एन्यूटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमें लास्ट पेमेंट वाले पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर लेकर आता है, कहां लेके आता है, लास्ट पेमेंट, मतलब मैं यहां आऊंगा एयर 3 के एंड पे मेरा अमाउंट आएगा, क्या बात समझ में आती है, नहीं आती तुम लोगों के, यस सर आती है। फिर अगर हम सेम टाइमलाइन इधर बनाए, एयर 0 1 2 3 एंड एयर 4, पहला एक्स कहां बनाऊं, एयर 0 पे बनेगा सर, अब क्योंकि पेमेंट और इनकम मेड और रिसीव एट दी स्टार्ट ऑफ ईच इंटरवल, दूसरा एक्स एयर 1 पे और फिर एयर 2 पे, 3 एनुअल पेमेंट्स ही कर रहा हूं। और अब अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं एस इज इक्वल्स टू आर इनटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 ओवर आई,
एन कंपाउंडिंग फैक्टर एक्स्ट्रा 1+i। तो मैं किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आऊंगा? लास्ट पेमेंट के एक साल बाद आऊंगा, या मैं बोलूंगा कि सर लास्ट पेमेंट वाले साल के एंड पे आऊंगा, ऐसा ही है ना? क्योंकि भाई ये कब हुई होगी? 1 जनवरी ऑफ ईयर 3 हो रही होगी, और ईयर 3 क्या होगा? ये 1 जनवरी ऑफ ईयर 4 भी होगा और 31 दिसंबर ऑफ ईयर 3 भी होगा, ऐसा ही है ना? दो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं कहां आऊंगा? लास्ट पेमेंट के एक साल बाद आऊंगा। क्या आप लोगों के मेरी बात समझ में आती है? कॉपी करना है किसी ने तो फटाफट से कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर किसी ने कॉपी करना है तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए प्लीज। स्पॉट वाले सवाल में जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि मेरा कौन सा फॉर्मूला है और मैं कब अप्लाई करके कहां जा रहा हूं, तब तो कंपेयर ही नहीं करा सकते आप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्या फॉर्मूला है और पॉइंट ऑफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट हार्ड है क्या? कि कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? फिर भी मैं आपको बताऊं कि 80% बच्चा गलत करता है, पता नहीं क्यों, जबकि एक बहुत बेसिक सी चीज है भाई। इधर फॉर्मूला लगा रहा हूं, इधर आ रहा हूं, खत्म हो गई बात। मैं ड्यू वाला दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभी रिपीट कर देते बेटा। अच्छा अगर आपने एन्यूटी ड्यू वाला फॉर्मूला गौर से देखा है, इधर देखो बेटा, देखो एन्यूटी ड्यू का अगर फॉर्मूला आप लोग गौर से देखोगे तो यहां से लेगा यहां तक कौन सा फॉर्मूला है? ऑर्डिनरी एन्यूटी का, एक कंपाउंडिंग फैक्टर एक्स्ट्रा है। तो ऑर्डिनरी एन्यूटी का फॉर्मूला तुम्हें कहां लेके आएगा? लास्ट पेमेंट वाले पॉइंट के टाइम के ऊपर, और कंपाउंडिंग फैक्टर की पावर कितनी है? तो वो इस पेमेंट को एक साल आके धक्का मारेगी, ऐसा। तो जब ही मैंने क्या बोला कि लास्ट पेमेंट के एक साल बाद लेके आऊंगा, ठीक है भाई? भाई क्या मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूं? मसला तो नहीं है? आयशा बेटा अब समझ में आ रहा है? चले भाई, जी भाई दोस्तों आगे बढ़ू मैं? अच्छा सर, फिर सर हम मैं अभी भी सेम टाइमलाइन कंसीडर कर रहा हूं अपनी, अब हम डिस्काउंटिंग में देख रहे हैं, ठीक है ना भाई? ईयर 0, 1, 2, 3 एंड ईयर 4। बताओ पहला एक्स कहां बनाऊं? ऑर्डिनरी एन्यूटी है, पहला एक्स कहां बनेगा? ईयर 1 पर, मतलब 1, 2 और 3। अब अगर मैं इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं ऑर्डिनरी एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू का, मतलब पी इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1+i/(-n)/i, तो मैं कहां आऊंगा? फर्स्ट पेमेंट के एक साल पीछे आऊंगा, मतलब मेरा आने वाला आंसर कहां आएगा बेटा? ईयर 0 पर आएगा। क्या इस बात से इत्तेफाक है सबका? यस सर। लेकिन सर अगर हम सेम टाइमलाइन इधर कॉपी पेस्ट मारें, अच्छा सर अभी बनाते हैं इधर कॉपी पेस्ट, इधर देखो बेटा, इधर देखो, शाबाश। ईयर 0, 1, 2, 3 एंड ईयर 4, और अब अगर पहला एक्स बनेगा कहां? ईयर 0, 1 एंड 2, और अब अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं बेटा कि P इज इक्वल टू R इंटू 1 - 1+i/(-n)/i, तो मैं कहां आऊंगा? फर्स्ट पेमेंट वाले पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आऊंगा, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा जहां मैंने फर्स्ट पेमेंट की होगी, मतलब ईयर 0 पर आऊंगा। क्या आप लोगों के बात समझ में आती है नहीं आती? अच्छा ये फॉर्मूला भी अगर आप गौर से देखोगे ना, यहां से लेकर यहां तक का तो क्या है? सेम है ऑर्डिनरी एन्यूटी का, मतलब ऑर्डिनरी एन्यूटी अगर हम रखते तो वो कहां पे लेके आता? एयर -1 पे लेके आता, मतलब यहां आती वैल्यू, ऐसा।
और फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट टैक्स लगा, उसकी पावर बने, उसने फिर एक साल धक्का आगे मारा होगा उसको, तो कहाँ आ जाऊंगा मैं, एयर जीरो पर ही आ जाऊंगा घूम फिर के। इसीलिए हम बोलते हैं कि एन्यूटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमें फर्स्ट पेमेंट वाले पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर लेके आता है। ऐसा शाबाश, फिर कॉपी करें इसको। ये सारी चीजें हमने क्लास में बहुत दफा करी हैं, सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि सारे बच्चे एक लाइन पर आ जाएं, फिर हम फॉर्मूला सॉल्व, फिर हम सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना भाई। देखो 4 दिन की वर्कशॉप्स हैं और 4 दिन की वर्कशॉप्स में 90% तुम्हारा पेपर कवरेज होगा, ठीक है ना। तो ये है, बस आपने कंसिस्टेंट होके लेनी है। जिस बहुत से बच्चा होता है क्लास में जिसकी बीच में कोई चीजें मिस भी हो जाती हैं, कोई कॉन्सेप्ट होता है उसकी समझ में नहीं आ रहा होता, मिस हो जाता है उससे, तो वो वहीं रह जाता है, ठीक है। तो इस वर्कशॉप्स के अकॉर्डिंगली आपका जो है ना वो चीजें एड्रेस देंगी। क्योंकि अक्सर मैंने कहां पे डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये वाला पेमेंट की बात कर रही हो, पेमेंट की बात कर रही हो कि मैंने एक एक्स यहां क्यों नहीं बनाया, ऐसा मैंने कंसिडर ही तीन एनुअल पेमेंट्स करी है ना, कंसिडर ही मैं 3 एनुअल पेमेंट्स कर रहा हूं। यहां आ सकते हो लड़के, तुम चिलर के पीछे, चिलर के पीछे आ सकते हो, यहां ये जो टूपी बैठा हुआ इसके साथ आ सकते हो। यहाँ कोई बैठा हुआ है लड़के, कोई भी नहीं बैठा हुआ, बैठ जाओ यहाँ पर। भाई बच्चों मैं आगे बढ़ सकता हूँ, सब साथ है मेरे, अच्छा सर। फिर हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या आया एस्टिमेशन, क्या आलियान, आलियान बिल्कुल बेटा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एस्टिमेशन वगैरह हम सब देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। मोस्ट प्रोबेबली डे 2 के ऊपर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्कस करूंगा, सैम्पलिंग डिस्कस करूंगा, एस्टिमेशन डिस्कस करूंगा, और हो सकता है मैट्रिसेस डिस्कस करूं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक भारी टॉपिक और एक हल्का टॉपिक लेके चलूंगा, क्योंकि मैट्रिसेस आसान होते हैं तो मैट्रिसेस उसके साथ साथ हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना जी भाई। फिर हमारे पास आता है परपीचुटी, मुझे बताओ परपीचुटी कितने टाइप्स की है, कौन कौन सी, ऑर्डिनरी और अच्छा जी, नहीं नहीं अभी अभी तो मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ी सी देर में बेटा, ब्रेक के बाद। अच्छा भाई प्लीज आप सभी देखो, ऑर्डिनरी परपीचुटी, अच्छा परपीचुटी और एन्यूटी में क्या फर्क है, सिर्फ फाइनाइट और इनफाइनाइट टाइम का फर्क है। एन्यूटी में कंपाउंडिंग अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कर रहे होते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल। लेकिन परपीचुटी के अंदर मुझे फाइनाइट टाइम ये नहीं पता होता कि अगर मैं किसी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ या किसी में सैलानी में पैसे दे रहा हूँ तो कब तक दूंगा, ठीक है, या किसी बैगर्स फंड में पैसे दे रहा हूँ, या मिसाल के तौर पर सबसे अच्छी एग्जांपल पेंशन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स आपके पास आती है किसमें, परपीचुटी के अंदर। अच्छा परपीचुटी के केस के अंदर हम फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ही नहीं पता होता फ्यूचर का, तो हम प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी परपीचुटी भी वही है कि पीरियड का एंड हो गया वो पीरियड का स्टार्ट हो गया, एन्यूटी ड्यू वाली, ठीक है ना। अच्छा सर
ऑर्डिनरी परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या है? पी इज इक्वल टू आर ओवर आई, ऐसा। लेकिन परपेचुइटी ड्यू का क्या फॉर्मूला है? पी इज इक्वल टू आर ओवर आई प्लस एक एक्स्ट्रा आर होता है जो एयर जीरो पर होता है। ठीक है भाई। अच्छा, किसी सवाल के अंदर एनयूटी की तरफ ऊपर चलते हैं, किसी सवाल में ना स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग इमीडिएटली लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ये लिखा हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, स्टार्टिंग इमीडिएटली, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर, तो एनयूटी ड्यू लगाओगे, और स्टार्टिंग एट द एंड लिखा हुआ है तो ऑर्डिनरी एनयूटी। अगर दोनों नहीं लिखे हुए तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनरी एनयूटी चिपका देना, ऐसा। सिमिलरली सर परपेचुइटी में भी यही है, ऐसा। अच्छा, परपेचुइटी के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआईआर, मैंने बोला था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आप लोग नहीं बोलना। कोई पूछे आईआईआर क्या होता है तो उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं चिपकाना, उसको क्या बोलोगे? इफेक्टिव रेट, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलोगे उसको? एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, वो रेट ऑफ रिटर्न जिसके ऊपर मैंने जहां इन्वेस्टमेंट की होगी, जिससे मुझे इनफ्लोज रिसीव हो रहे होंगे, वो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ऐसा। तो अगर हम बोले आई आर आर, आयशा इमरान दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, परपेचुइटी के अंदर एनयूटी की पहली कंडीशन सेम है, एनयूटी की दूसरी कंडीशन सेम है, तीसरी कंडीशन एक होती है क्या? इनफाइनाइट टाइम। इसमें मुझे ये नहीं पता होता कि मैं पेमेंट कर रहा हूं तो कब से कर रहा हूं, कब तक करूंगा, इनफाइनाइट टाइम होता है मेरे पास। आयशा अहमद, एनयूटी ड्यू लगाऊंगा, ठीक है भाई। तो इनफाइनाइट टाइम होता है, तभी आयशा इमरान इस केस के अंदर मैं फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट नहीं कर सकता अपने पास, प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर सकता हूं। एनयूटी के अंदर इनफाइनाइट टाइम होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। अच्छा भाई, आया यार, तो समझाया नहीं है मैंने कुछ, अभी लिखा है आया यार, वापस क्या समझाए, अभी समझाते हैं बेटा। देखो आया यार का मतलब होता है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, वो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जिसके ऊपर तुम्हारे क्या बेस करते हैं? इनफ्लो बेस करते हैं, क्या बोलते हो? इनफ्लो बेस करते हैं। नहीं सर, मैं है दूसरी तरीके से लिखता हूं, समझ में तो आ रहा है ना। अच्छा सर, मिसाल के तौर के ऊपर एक बंदा है, बोलता है आपसे एयर जीरो पे मुझे 5 लाख रुपए दो, क्या ये इनफ्लो है आउटफ्लो है? पैसा जा रहा है भाई, आउटफ्लो है, ऐसा ना भाई। उसने बोला एयर जीरो पे मेरे को 5 लाख रुपए दो, अच्छा सर। फिर बोलता है एयर वन पे मेरे को 4 लाख रुपए देना, तो ये भी आउटफ्लो है। अच्छा, इसके अगेंस्ट मैंने, अच्छा टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी है? 9 लाख रुपए की मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट अपने पास कर दी है। अच्छा, वो क्या बोलता है? एयर टू पे मुझसे ले लेना 4 लाख रुपए, इनफ्लो आ रहे हैं। फिर बोलता है एयर थ्री पे मेरे से ले लेना, मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपए, कितने हो गए? 7 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 9 लाख रुपए की। फिर बोलता है एयर फोर पे मुझसे आप लोग ले लेना 2 लाख रुपए, कितने हो गए? 5 लाख रुपए कमाए, 5 लाख रुपए मिल गए, क्या हुआ? नो प्रॉफिट जी, नहीं, ब्रेक इवन नहीं हुआ है। तो फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कहां गया? कि जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है पैसा अपनी वर्थ होता रहता है, फिर वो कॉन्सेप्ट कहां गया फिर? ठीक है ना, तो इसका मतलब हम इसको एयर जीरो पे लेके जाएंगे सारे अपनी पेमेंट्स को, और चेक करेंगे कि हर एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर जीरो मेरे पास मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, मिसाल के तौर के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, ये 3 लाख रुपए, ये भी 3 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मेरे जहन में एक एक्सपेक्टेड रेट होता है जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना, मेरा रेट क्या होगा? मिसाल के तौर पर मैं बोलूंगा कि सर मुझे 13% तो मिले कम से कम, कम से कम मुझे इस इन्वेस्टमेंट से जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इधर से मैं एक्सपेक्टेड रेट,
मैं बोलता हूँ कि कम से कम 13% तो मिलना चाहिए बाबू, इससे 13% से ज्यादा मिले सही है, कम से कम 13 मिले, 13 से कम मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्या जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसने मुझे रेट बताया, उसने तो बोला भाई इतना इतना पैसा तो इतना पैसा ले लेना। आज जो जाहिल बंदा है वो तो सोच रहा है 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है दादा इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन जो टेक्निकल बंदा है वो क्या करेगा अपने पास चेक करेगा कि हाँ यार मेरे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जितना मेरा एक्सपेक्टेड है उसके अकॉर्डिंगली मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करूंगा, मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि सर मेरे पास एक्चुअल में कितना मिल रहा है, ये जो उसने मुझे इनफ्लोज दिए हैं ये किस रेट ऑफ रिटर्न पे दिए हैं। मिसाल के तौर पे तुम्हारा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 14% का, तो एक्सपेक्टेड कितना है कि 13% मिले, दे कितने परसेंट पे रहा है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट मैं अपने पास करूंगा, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट क्या है फिजिबल है, मिसाल के तौर के ऊपर एग्जैक्ट 13% मिल रहा है तब भी मैं करूंगा भाई, जितना चाहिए उतना मिल रहा है। लेकिन अगर मुझे मिल रहा है 12% तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट फिजिबल नहीं है मेरे पास ऐसा। यस सर। अच्छा एक पॉइंट और लिखना है आप लोगों ने कि IRR पे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। एक सवाल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगहों के ऊपर जहां कंपनी ए के इनफ्लोज मुझे गिवन है 4 और कंपनी बी के 3 इनफ्लोज गिवन है, आउटफ्लो का कोई जिक्र नहीं है सवाल के अंदर। अब अगर मैं 7 फैक्टर कैलकुलेटर में डालता हूं तो नहीं आते, उसका भी एक तरीका है कि मैं एडजस्ट करूंगा दोनों के इनफ्लोज को, वो भी सवाल आज की क्लास में हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बिल्कुल फरीन भाई सब मेरे साथ हैं। अच्छा इसका एक बड़ा वाला फॉर्मूला भी है आपको याद है क्या है वो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इज इक्वल टू क्या A% बोले तो वो रेट ऑफ रिटर्न जिससे तुम्हारी NPV क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है ऐसा, प्लस NPV A ओवर NPV A माइनस और B माइनस A%, ऐसा एक फॉर्मूला हमारे पास है स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी है, इसको भी हम लोग यूज करेंगे और वो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है उसको भी हम यूज करेंगे, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले की जो मैंने आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर लिखा है इसकी वर्किंग थोड़ी सी लेंथी होती है। अगर ये सवाल के अंदर आपको डायरेक्ट A%, B%, NPV पॉजिटिव NPV नेगेटिव दिए हुआ है तो ये फॉर्मूला आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरह का डेटा दिया हुआ है तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना बेकार है, फिर हम इस मेथड से जाएंगे, इस मेथड से जाके X% अननोन रख के निकाल लूंगा मैं, सही है ना भाई। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आती है भाई। क्लास में वो बच्चे जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा है उनको चीजें रिकॉल हो रही हैं जो हमने 3 महीने 3.5 महीने पहले पढ़ी थी सारी चीजें, है ना। है जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं उनको, वो अभी पढ़ लें। देखो वर्कशॉप में मैं चाहता ना मैं वर्कशॉप 1 महीने पहले करवाया था, इफेक्टिव रहती, बच्चा फिर भूल जाता 1 महीने के अंदर। वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि बंदा एंड में कराए बच्चे को धक्का दे चल मेरा भाई पेपर पास अल्लाह हाफिज, नहीं रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी बेटा। अच्छा जो बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे हैं फिजिकली या ऑनलाइन, जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया बहुत सारे बच्चों ने, तो उनको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे आउटसाइडर्स के स्टूडेंट वो हैं कैंपस के स्टूडेंट्स, तो उनकी अपनी कैंपस पे भी क्लासेस हैं तो वो क्लासेस उनके लिए ऑनलाइन या कैंपस पे लेना फिजिबल नहीं है, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग जो है मैं अवेलेबल दे दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं वो बच्चा जिसने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा और वो मुंह धोके वर्कशॉप में आ रहा है तो कुछ नहीं है उसका क्या है, PRC जिंदाबाद है। हाँ जिनका बच्चा होगा तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो पढ़ लेगा वर्कशॉप में ही सिर्फ, ठीक है ना। बिल्कुल मिल जाएगी आज की वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग बेटा,
कौन था ये? अनिक बेटा मैं आपकी आवाज पहचानने लगा हूं, आप मुंह नीचे करके रखेंगे फिर भी मुझे आवाज आएगी। अच्छा जी चले भाई, फिर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। फिर हमारे पास आती है एक और चीज एनपीवी, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऐसा। अच्छा एक हमारे पास बचा है इफेक्टिव एनुअल रेट, ईएआर। ईएआर का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस आई ओवर एम पावर एम माइनस 1 इंटू। देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, हमारे पास दो तरीके के रेट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल रेट। मिसाल के तौर पर नॉमिनल रेट है मेरे पास 10%, क्या बोलो क्या है? लेकिन कंपाउंडिंग हो रही है मंथली, कंपाउंडिंग हो रही है, तो इसका मतलब मुझे 10% से ज्यादा पे इंटरेस्ट रिसीव होगा, क्योंकि भाई कंपाउंडिंग मंथली हो रही होगी ना, फिर बैलेंस अमाउंट के ऊपर अप्लाई होगा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरीके से। तो अल्टीमेटली कंपाउंडिंग मंथली के केस के अंदर या अदर देन कंपाउंडिंग एनुअली, कंपाउंडिंग बाय मंथली हो, क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो या मंथली हो, तो कंपाउंडिंग एनुअली से ज्यादा मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव होगा। या मैं यूं भी बोल सकता हूं कि सर उस केस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या आता है? इन्फ्लेशन आता है। बात समझ में आती है? तो लेकिन नॉमिनल रेट तो इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर नहीं करता, तो उस केस में मुझे ईएआर कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि ये मुझे इन्फ्लेशन बताता है। इन्फ्लेशन कब कब आती है सर? अगर कंपाउंडिंग हो रही हो सेमी एनुअली, अगर कंपाउंडिंग हो रही हो क्वार्टरली, अगर कंपाउंडिंग हो रही हो मंथली, अगर कंपाउंडिंग हो रही हो बाय मंथली, ऐसा अदर देन एनुअली, सिंपल अदर वर्ड्स अदर देन एनुअली हो रही होगी, ठीक है ना? सबा मैं ये रिपीट कर रहा हूं बेटा कि अगर मैंने नॉमिनल रेट है मेरे पास और कंपाउंडिंग सिर्फ साल में एक दफा हो रही है तो 10% पे ही मिलेगा मुझे इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर कंपाउंडिंग साल में एक से ज्यादा दफा हो रही है, 2 दफा 4 दफा 6 दफा 12 दफा, तो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आएगी, मुझे इंटरेस्ट ज्यादा रिसीव होगा। जब इंटरेस्ट ज्यादा रिसीव होगा दैट मींस के इंटरेस्ट के रेट के अंदर इन्फ्लेशन आ गया है, तो वो इन्फ्लेशन मुझे इफेक्टिव एनुअल रेट कैलकुलेट करके बताता है कि इन्फ्लेशन कितना आया है। एम का क्या मतलब? एम का मतलब है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, कंपाउंडिंग क्वार्टरली, कंपाउंडिंग मंथली और कंपाउंडिंग बाय मंथली, ये एम है। सेट है भाई? ये आई आपके पास क्या है? नॉमिनल रेट है जी मेरा बच्चा। नहीं, डिपेंड करता है कि अगर ईआर के फॉर्मूले में ईआर रखकर आई निकाल रहे हो तो वो नॉमिनल रेट है, लेकिन अगर नॉमिनल रेट के ईआर निकाल रहे हो तो वो तो इफेक्टिव एनुअल रेट ही है ना। डिपेंड करता है कि अननोन क्या निकाल रहे हो। बिल्कुल अक्सा, नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब ये बिल्कुल सही है, कह सकते हैं आप। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। और जब कंपाउंडिंग अदर देन एनुअली होगी तो इंटरेस्ट मुझे ज्यादा रिसीव होगा, मतलब इंटरेस्ट किसी और परसेंटेज पे रिसीव होगा, ठीक है ना? तो इंटरेस्ट की परसेंटेज में इन्फ्लेशन आ जाएगा। चलते हैं भाई, मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूं क्या? अब एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं, सही है ना? और क्वेश्चंस सॉल्व देखते हैं, सही है? चलिए भाई अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। अच्छा बाय कैलकुलेटर कोई नहीं करेगा, पूरा सवाल नंबर डाल के सॉल्यूशन आप अपने पास करना है कि कल कला का अगर रिवाइज करने पड़े तो पता हो, क्योंकि कैलकुलेटर से आप रिवाइज नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे होशियारी दिखाते हैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, आता तो है। जो अपनी ये अप्रोच रखेगा कि उसको आता है वो फेल होगा। हमेशा आपने ये अप्रोच रखनी कि आपको नहीं आता और आपने सीखना है, ठीक है बेटा? चले मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी मैंने स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है,
आप लोग सुकून के साथ इसको सॉल्व करें और मुझे बताइए कि सर क्या वैल्यू आ रही है, आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल बेसिक सवाल है बच्चों वाला। इसका आंसर आपके पास आ रहा होगा 714.23। सेट है? सेट है इल्मा, सेट है आसद? इल्मा आसद आप लोगों का आंसर सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं आपको अभी शो कर देता हूं बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू पी इनटू, ये पी नहीं है, पी है भाई, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। हाँ भाई दोस्तों हो गया, सबसे हो गया। कोई ऐसा बच्चा जिसके क्लास में नहीं हुआ मैं करवा देता हूं उसके लिए। अच्छा भाई सिनेरियो क्या है सवाल का कि अ मैन बोरो रुपीस 5000 एट सिंपल इंटरेस्ट 6% सिंपल इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टेड द सम एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा व्हाट ही वुड गेन आफ्टर 8.5 इयर्स, 8.5 साल के बाद उसको कितना गेन हुआ। अच्छा सर तो पहले काम करते हैं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से फ्यूचर वैल्यू निकालता हूँ, इसको टोटल रिसीव कितना होगा, सही ना। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई करता हूँ एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस I की पावर n, तो s कितना है बेटा मेरे पास, p कितना है 5000 और 1 प्लस 6% ओवर 2। मैंने आपको बताया था जब भी कंपाउंडिंग अदर देन एनुअल होगा तो दो चीजें एडजस्ट होती हैं, कौन कौन सी, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इन ईयर्स, सेट है मुताबिक। तो मैंने डिवाइड बाय 2 किया क्योंकि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली केस में मुझे साल में 2 दफा इंटरेस्ट रिसीव होगा। ऐसा पावर कितनी होगी 8.5 मल्टीप्लाई बाय, तो एक्चुअल में मुझे रिसीव कितना हो रहा है वहां से 8.264 बस 0.23 ले लो सर इतना रिसीव हो रहा है। अच्छा पे कितना करना है वो भी देख लेते हैं, एस इज इक्वल टू पी इन पी इंटू 1 प्लस आर टी, तो पी कितना है 5000 और 1 प्लस रेट कितना है 6% मल्टीप्लाई बाय 8.5। तो यहां से एस मुझे कितना देना है बेटा 7.55। इसका मतलब जिससे मुझे लोन लेना था उसको मैंने इतना पैसा रिटर्न करना है और जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वहां से मुझे इतना पैसा रिसीव हो रहा है, ऐसा। तो अल्टीमेटली दोनों का डिफरेंस जो है मेरा क्या होगा, गेन होगा। तो अगर मैं गेन कैलकुलेट करता हूं मेरा बेटा तो आप क्या बोलेंगे 8.264.23 माइनस 7.55 जीरो कितना बनता है
बताना 1714.23 ऐसा। बच्चों क्या बात समझ में आती है आप सबके? हाँ मतलब कि ये तो उसने लोन लिया था ना, ये केस में तो उसने लोन लिया था, लोन में उसने 7550 उसने वापस करने, और ये वो चीज है जो उसने इन्वेस्ट किया था। नहीं ना भाई, उसने लिख के दिया हुआ भंगी कि उसने बोरो किया है, वो सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किया है, सेट है। बिल्कुल आसान, जबरदस्त जी हसन, इसमें इंटरेस्ट क्या हुआ? डायरेक्ट इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके मैथ कराओगे तब भी आंसर तुम्हारे पास सेम आएगा, ठीक है ना? वो कोई मसला नहीं, वो मेथड टू कर लो, डायरेक्ट इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है ना? तो फाइनली उसको जो है वो 714.23 का इंटरेस्ट ज्यादा रिसीव हुआ है, जो उसको गेन हुआ है, ठीक है हसन भाई। मेरे बच्चों मैं आगे बढ़ सकता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे चलूं? सेकंड सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है ना, एक स्टेप ऊपर चलते हैं नेक्स्ट सवाल में और स्टेप ऊपर चलेंगे हम लोग, ओके सर। चले मेरा बेटा, शाबाश, सॉल्व करें आसानी से। बिल्कुल दो जगह इन्वेस्टमेंट है यार, प्लीज बातें नहीं, अपना काम करें जल्दी जल्दी, शाबाश। आगे इधर देखें, हाँ शाबाश, अपने आप को गिना तूने हैं? सो कौन है? नहीं 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 नहीं, ये साथ ये ना, ये यही मुंह छुपा रहा है क्योंकि पूरी क्लास में और कोई नहीं छुपा रहा। मैं भी सर, मैं अब तीसरा भी गिनवाता हूँ अपना, खबर कर यार 450 नहीं, ये क्या कह रहे हो बता, डिफरेंस बताना है डिफरेंस। हसन बेटा है, हाँ हाँ टोटल बताना है, क्या बता रहे हो दोबारा बताना। नहीं थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है,
44916 करेक्ट है, 44916 करेक्ट है। तो मतलब 99 स्टूडेंट्स क्लास में है और 50 स्टूडेंट्स के करीब जो है वो ऑनलाइन है हमारे पास। फोर फोर नाइन वन सिक्स हाँ सर बिल्कुल जी भाई बच्चों मैं करवाऊं अच्छा इसकी टोटल टाइमलाइन कितनी ईयर्स की बनेगी? 5 सालों की। 5 साल कहीं लिखे हुए नहीं है लेकिन उसने क्या बोला है कि भाई 3 साल के बाद मैं एक अमाउंट विड्रो कर रहा हूँ और उसके 2 साल बाद कितना होगा, टोटल टाइमलाइन 5 सालों की बनाएंगे आप लोग ऐसा? ओके सर जी मेरा बेटा मैं कह रहा हूँ। ओके सर देखते हैं भाई सवाल में क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹25,000 इन अ सेविंग अकाउंट पेइंग 12% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली फुल स्टॉप। कहानी खत्म कर दी उसने, बोला 25,000 रुपए में डिपॉजिट करा रहा हूँ 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर जहां से मेरे पास क्या रिसीव हो रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है। आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल के बाद ही विथड्रॉ ₹20,000 फ्रॉम द अकाउंट। 3 साल बाद उसने 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए एंड इन्वेस्ट इन अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटिंग पेइंग 12% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। मतलब जहां उसने डिपॉजिट कराए वहां पे 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंडेड मंथली। लिविंग द रिमाइंडर इन द सेविंग अकाउंट हाउ मच इज हिज टोटल कंपाउंड अमाउंट 2 ईयर्स आफ्टर द परचेज ऑफ सर्टिफिकेट। देखो भाई 3 साल बाद वो 20,000 रुपए निकाल रहा है और जब वो निकालता है उसके 2 साल के बाद उसको पैसा मालूम करने का टोटल बैलेंस कितना है। मतलब टोटल टाइमलाइन 5 ईयर्स की बनेगी। मतलब ईयर 0, ईयर 3 और ईयर 5। ईयर 0 पे उसने कितना डिपॉजिट कराया था? 25,000। पहले चेक करते हैं कि ईयर 3 तक मेरे पास बैलेंस कितना होगा, ठीक है ना? तो बैलेंस एट एयर 3 निकालते हैं। मतलब S इज इक्वल टू P इनटू 1 प्लस I की पावर N और S इज इक्वल टू 25,000 और 1 प्लस 12% ओवर 2 पावर कितनी 3 इनटू 2 मतलब 6। तो टोटल तुम्हारे पास कितना पैसा बचता है बेटा? 7.8 उसको, ठीक है ना? इसका मतलब एयर 3 पे आपके पास इतना बैलेंस है अकाउंट के अंदर, कितना? 3,5,4,6,2.98। फिर उसने क्या किया, इसमें से कितने पैसे निकाले? 20,000 रुपए उसने माइनस कर दिए इसमें से। 20,000 रुपए माइनस करो बताओ कितना बचता है? 15,462. इतना पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया, वो लिविंग द रिमाइंडर इन द बैंक अकाउंट, उसने छोड़ दिया इतना पैसा वापस बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है ना? अब इसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा कितने सालों का? 2 सालों का। मतलब 1 प्लस 12% ओवर 2 की पावर 2 साल इनटू कंपाउंडेड सेमी एनुअली। नहीं ना, मंथली जो है वो सर्टिफिकेट वाले केस में, ये तो उसी अकाउंट में छोड़ दिया ना उसने। तो मेरा बेटा इस ये कितना मिलता है? 195,21.64 तो मतलब जो उसने बैंक अकाउंट में छोड़ा वो इतना पैसा उसके पास एक्यूमुलेट हो जाएगा एयर 5 के एंड तक। लेकिन जो उसने 20,000 रुपए विड्रॉ करे थे मेरा बेटा, उसके ऊपर भी तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने परसेंट का मिल रहा है? 12% का मिल रहा है। कंपाउंडेड क्या हो रही है? मंथली हो रही है। इसका मतलब इसकी भी मैं कंपाउंडिंग कर देता हूँ कैसे, कि 20,000 और 1 प्लस 12% ओवर पावर कितनी? 2 इंटू 12, क्योंकि 2 सालों के लिए और कंपाउंडेड मंथली। तो मेरा बेटा इससे कितनी वैल्यू बनती है आपकी? 2,539.4.69 कर दो।
तो टोटल बैलेंस आपके अकाउंट में कितना हो गया? अब टोटल कितना बैलेंस है आपका, ऐड करो 4491.6.9.3 हो रहा है। बस जाने दो, कोई मसला नहीं। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या मेरे बच्चों बात समझ में आ रही तुम लोगों को? कोई मसला परेशानी किसी को? नहीं, ऑनलाइन वालों ओके की रिपोर्ट चल रही है। जी बेटा, क्या समझ नहीं आया? क्यों कंपाउंडेड कवर उसके के सवाल पढ़ा था आपने, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं यही तो अप्लाई कर रहा हूं बेटा, हर जगह मैं यही अप्लाई कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, आगे बढ़ सकता हूं मैं? थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलते हैं। ओके, जल्दी से कॉपी कर ले बेटा, शाबाश। फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अच्छा आयशा इमरान, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, सिनेरियो क्या था, उस बंदे ने 25,000 रुपए एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराए, 3 साल बाद उसने 20,000 रुपए निकाल लिए, तो 3 साल बाद उसका बैलेंस कितना था? इतना था। कैसे आया ये? ऐसे आया, ऐसा ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो मुझे पता चला 3 साल बाद मेरा बेटा उसके पास इतना बैलेंस है। इतने में से उसने कितना निकाल लिया? 20,000 रुपए उसने निकाले, और लिखा होता लिविंग द रिमाइंडर इन द बैंक अकाउंट, वो भी उसने बैंक अकाउंट में छोड़े रहने दिया। इसका मतलब उस पर इंटरेस्ट मुझे रिसीव होगा, ऐसा। तो मतलब उस बैंक अकाउंट में कितना पैसा मैंने छोड़ दिया? इतना छोड़ दिया, उस पर कंपाउंडेड 6 महीने 12% के हिसाब से इतना इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 3 साल के बाद वो अमाउंट इतना हो जाएगा, ऐसा। 3 साल के बाद वो अमाउंट बढ़कर इतना हो गया। फिर जो उसने 20,000 रुपए विदड्रॉ करे थे, वो किसी सर्टिफिकेट में डिपॉजिट कराए उसने, वहां से भी उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ था। इसका मतलब अगर मैं उसकी भी कंपाउंडिंग करके चेक करता हूँ सर्टिफिकेट के डिपॉजिट के हिसाब से, तो वो अमाउंट कितना बनता है? इतना बनता है। तो मेरे पास आज टोटल बैलेंस कितना होगा? दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा मेरे पास टोटल बैलेंस कितना हो गया। तो मेरे पास टोटल बैलेंस इतना रिसीव हो गया है। चलते आयशा इमरान। ओके सर, तो हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे, और जिनको नहीं आता उनको मैं दोबारा करा दूंगा, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, शाबाश। जब मैं सवाल स्क्रीन पर शो करता हूँ तो फिर मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता हूँ, थोड़ी देर बाद याद आता है मुझे। जी भाई दोस्तों, इल्मा वेरी गुड बेटा, बिल्कुल राफे साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। अभी एक बच्चा उठेगा सर सवाल इनकम्प्लीट है, ऐसा किसको लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा, समझदार हो गए यार तुम लोग तो। समझ नहीं आ रहा, ओके था अतीक, बिल्कुल हसन। अच्छा, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर 2 ग्रुप बनाए,
ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, तो जो ग्रुप वन में है वो ग्रुप टू में ना आए, वो ग्रुप टू इसलिए बनाया है ताकि जो बच्चे एक्सीड हो गया है तो वो ग्रुप टू में ज्वाइन करें, सही है ना? बिल्कुल तहादी, बिल्कुल याद है बेटा, मैं आपको आपके नाम से पहचान गया था, राइट है? और आपने एक पोस्ट भी शेयर किया था जिसपे आपने अपने दोस्त को टैग किया था, मैंने हाँ आकर रिएक्ट भी किया था उसके ऊपर, आपको याद आया? बस सेट है, जबरदस्त है, 98.56, वेरी गुड। सालिक को टैग किया था इसने, सेट है था इंशाल्लाह। हाँ भाई, इसका तो कैफ भी आधे से ज्यादा हो गया है, पिछले दिसंबर का स्टूडेंट था। सलाम दुआ करने आते हैं ऐसी। कैलकुलेटर से रेट ही निकल रहा, दीवार पे के मारने वाली नौबत है इसका मतलब। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ बेटा, अब सब प्लीज सीधा देखेंगे। सवाल में क्या लिखा हुआ, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ सम फॉर टू इयर्स इज 832। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? I is equals to P into 1 plus I की पावर n minus 1, ये फॉर्मूला है। अच्छा, कितना है इंटरेस्ट? 830 is equals to P, कितना है नहीं पता, तो जब कुछ नहीं होता तब क्या होता है? X अज्यूम करते हैं हम, ये कोई काले इन करने वाला है क्लास में क्या? एक मिनट आ गया, आ गया भाई। अच्छा सर, तो P क्या है मेरे पास नहीं पता, तो X अज्यूम करूंगा और 1 प्लस रेट पता है मुझे नहीं सर, तो मैं इसको R परसेंट अज्यूम कर लेता हूं। ऐसा पावर कितनी है? 2 इयर्स उसने दिया भाई, 2 इयर्स। क्या मैं इसको फर्दर सॉल्व कर सकता हूं? नहीं कर सकता, कुछ नहीं है, तो इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर। अच्छा, फिर इसके साथ साथ वो क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेम सम ऑफ फॉर द सेम पीरियड इज 800, मतलब आई इज इक्वल्स टू पी आर टी, अगर मैं अप्लाई करता हूं मेरा बेटा तो आई कितना है? 800। प्रिंसिपल वैल्यू कह रहा है सेम सम इन्वेस्ट किया उसने, मतलब यहां भी एक्स तो यहां भी एक्स, और रेट तो नहीं पता, दोबारा आर परसेंट ले लो, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था ऊपर वाले केस में, तो इस केस में भी टाइम कितना होगा? 2 साल का होगा। अच्छा, क्या मैं इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स ड्राफ कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ सर? मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल टू 800 ओवर 2 इंटू आर परसेंट, ऐसा ना, क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई होने जाके दोनों डिवाइड करेंगे, इस 2 से इस 800 को कर दूंगा मैं कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरे पास? 400 ओवर आर परसेंट, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू है। क्या इस एक्स की वैल्यू को मैं इधर सब्स्टिट्यूट करवा सकता हूँ? यस सर, करवा सकता हूँ। अगर मैं इस एक्स की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कराता हूँ मेरा बेटा, तो क्या हो जाएगा कि 832 इज इक्वल टू 400 ओवर आर परसेंट और 1 प्लस आर परसेंट की पावर 2 माइनस 1, मतलब r परसेंट सॉल्व फॉर x के, तो कैलकुलेटर से मुझे बताओ r की वैल्यू कितनी आ रही है? 8% आ रहा होगा, कितना बेटा? कैलकुलेटर में आ जाएगा इजीली, मसला नहीं है, 8% आ रहा होगा मेरे ख्याल में, 8% आ रहा है, तो मतलब r तुम्हारे पास कितना है मेरा बेटा? 8% आ रहा है। इस 8% को अगर मैं यहां पर x निकालने की कोशिश करता हूं तो कितना बनेगा कि 400 ओवर 8%, तो कितना बनता है मेरा बेटा? 5000। इसका मतलब ये 5000 रुपए आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई इन दोनों के केस के अंदर। क्या बात समझ में आती है सबके? सेट है, ऐसा कोई मसला नहीं है बेटा, ठीक है भाई। ये क्या आ गई मेरे पास? प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, लेकिन उसने मांगा क्या था सवाल में? उसने मांगा था द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। अब भाई मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल वैल्यू भी है। तो अगर मैं
तीन सालों का डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं मेरा बेटा, तो सबसे पहले मैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के चेक कर लेता हूं, 5000 और 1+8% पावर कितनी, 3-1, यहां से आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है ना। माइनस कर देता हूं सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट रिसीव, कितना बनता है वो, 5000 इंटू 8% इंटू 3, तो मेरा बेटा टोटल डिफरेंस कितना बनता है आपके पास, 98.56, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। सही है भाई, भाई ये सवाल किसकी समझ नहीं आया हाथ खड़ा करो, मैं दोबारा समझाऊंगा, मसला नहीं है कोई। भाई देखो सर, सबसे पहले सवाल में क्या था, उसने बोला कि भाई मैंने 832 रुपए, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ बेटा, तो सुनो, 832 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट से कमा रहा हूँ। सही है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला लगाया, आई की जगह मैंने 832 रुपए लिख दिया। क्या मुझे एक्स पता है, वो प्रिंसिपल वैल्यू पता है, नहीं है तो एक्स अज्यूम कर लिया मैंने। क्या मुझे रेट पता है, नहीं तो मैंने आर परसेंट अज्यूम कर लिया। टाइम पता था, टाइम 2 साल का था, तो मैंने एक इक्वेशन अपनी इस तरीके से बना ली। क्या बात समझ में आती है। फिर उसने बोला कि सर मैंने सेम अमाउंट डिपॉजिट कराया सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर सेम टाइम के लिए, तो सेम अमाउंट का मतलब यहाँ एक्स अज्यूम किया था, वहां भी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी, लेकिन वहां इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, 800 रुपए। तो फॉर्मूला अप्लाई किया, आई इज इक्वल टू पी आर टी, और आई की जगह क्या लिख दिया मैंने, 800 रुपए, प्रिंसिपल वैल्यू की जगह जो एक्स यहाँ अज्यूम किया था वही एक्स मैंने वहां अज्यूम किया। क्या रेट पता था, तो वही मैंने आर परसेंट अज्यूम कर लिया। टाइम पता था, मुझे मतलब ना सेम टाइम के लिए डिपॉजिट कराया, तो टाइम 2 साल का था। यहां से मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स जो है वो ड्राफ्ट किया, तो क्या बनता है, 400/8%। इस 400/8% को मैंने सब्सटीट्यूट कराया यहां एक्स की जगह, तो ये इक्वेशन बन गई कुछ इस तरीके की, बन गई। जब इसको इक्वेशन इस तरीके की बन गई मेरा बेटा, तो फिर मैंने इसको बाय कैलकुलेटर सॉल्व किया। जब बाय मैंने कैलकुलेटर सॉल्व किया, तो मुझे पता ये चला कि सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, आर पर 8% का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8% का। अच्छा सर, अब क्या करूं, क्या मैं प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैंने सॉल्व फॉर एक्स किया था यहाँ पे, तो मैंने 400/ रेट रख दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब इस प्रिंसिपल वैल्यू पे दोबारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा फॉर 3 ईयर्स, और दोनों का डिफरेंस मैं बता दूंगा कितना आ रहा है, 98.56। ऐसा सेट है मेरा बेटा, ओके की रिपोर्ट है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। आप बिल्कुल लिखें बेटा, हाँ भाई दोस्तों, ओके की रिपोर्ट चल रही है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या भाई, जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। हाँ पिक्चर ले लो, पिक्चर ले लो, भाई दोस्तों मैं आगे बढ़ सकता हूँ, सब मेरे साथ हैं, ओके सर। नेक्स्ट सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ बेटा,
ओके सर, शाबाश, फिर सॉल्व करिएगा। शाबाश शाबाश। हाँ उनने हो गया। माय पीसी मैं बस 2 बजे ब्रेक दूंगा, 2 से 2:30 बजे तक ब्रेक दूंगा, सही ना? बेटा सॉल्व कर रहे हैं, हो गया 6000 एक्स 6000 आ रहा है। राफे स्पॉट और एन्यूटीज इंशाल्लाह नमाज के ब्रेक के बाद 2:30 बजे स्टार्ट होगा। चल मैं करवाऊं सॉल्व, हो गया आप लोगों से? हो गया, मैं करवाऊं, मैं करवाता हूं। देखो बेटा प्लीज प्लीज इधर देखो, शाबाश। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि मिस शकुंतला मेड इन्वेस्टमेंट इन 2 schemes, स्कीम ए एंड स्कीम बी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए इज 2000 मोर देन इन्वेस्टमेंट इन स्कीम, मतलब इन्वेस्टमेंट स्कीम ए के अंदर 2000 रुपए ज्यादा है स्कीम बी से। स्कीम बी की इन्वेस्टमेंट बताइए उसने कितनी है, मतलब फिर एक्स। तो मतलब अगर मैं ये बोलता हूँ कि सर स्कीम ए और स्कीम बी, स्कीम में स्कीम बी, तो मैं एक्स का अज्यूम करूं बी में, मतलब स्कीम बी के अंदर अज्यूम मैं करूंगा एक्स प्रिंसिपल वैल्यू, और स्कीम बी के स्कीम ए के अंदर एक्स प्लस 2000। फिर वो कह रहा है कि स्कीम ए में उसको 6% मिल रहा है, स्कीम बी में उसको 8% मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द सम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए If the difference in the interest for 3 years is 120, इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि सर difference निकालना है मैंने, तो difference is equals to PRT minus PRT, दोनों पे simple interest मिल रहा है ना, तो difference कितना है बेटा 120। पहला PRT scheme A का, मतलब x plus 2000 multiply by यहाँ से scheme A का interest आएगा, माइनस करूंगा स्कीम बी का इंटरेस्ट। स्कीम बी का इंटरेस्ट क्या है, एक्स मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब तुम जरा सॉल्व फॉर एक्स करते हो, तो तुम्हारा एक्स कितना आ रहा है, क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है? नहीं, एक्स का अज्यूम किया था मैंने स्कीम बी पर, तो स्कीम ए 2000 ज्यादा है। तो अगर तुम स्कीम ए निकालोगे मेरा बेटा, तो क्या बोलोगे, 2000 + 4000 कितना बनता है 6000। तो तुम्हारी 6000 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी स्कीम ए पर, ऐसा? हाँ मेरे बच्चों, कॉपी जल्दी फटाफट से करें, गोली की स्पीड की तरह। सवालों की पीडीएफ मैं बिल्कुल ग्रुप पे शेयर करूंगा, ठीक है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है। मिसिंग था लिखना,
वलीद बेटा स्टैंड्स हम लोग इंशाल्लाह ताला जो है वो डे टू पे डिस्कस करेंगे, सैटरडे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एस्टिमेशन डे टू पे करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह और काइस्पायर टेस्टिंग वगैरह और बेसिक स्टैट्स वगैरह डे थ्री पे करेंगे तो संडे को होगी, ठीक है ना। जहां तक मुझे एक लगता है अब तक मैंने ऑब्जर्व किया है वो स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी और उसके ऑनवर्ड जो टॉपिक है चैप्टर्स उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं है उसको इंशाअल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है बेटा। कोई मसला नहीं है वलीद, बिल्कुल बेटा। मरियम, शाहनवाज, वलीद, कोई मसला नहीं मेरे बच्चों, सब करेंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई दोस्तों मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चले भाई अब प्लीज बातें नहीं, इधर देखो। बिल्कुल आयशा आज एंड कर लेंगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। रिदा फातिमा डे टू पे डिस्कस करूंगा स्टैट्स, ठीक है ना, डे टू एंड डे थ्री। देखो एक से बढ़कर एक बंगी बैठा है क्लास में, कह रहा 702 सवाल ही पूरा नहीं पढ़ रहा, सवाल ही नहीं पढ़ रहा। लेकिन सर हमने असाइनमेंट में किया था 702 ही आ रहा था, सवाल तो पूरा पढ़ो बेटा। सेटल है था डे टू एंड डे थ्री पे हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टैट्स की। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सेम टाइम 12 से 5। हाँ भाई दोस्तों क्या सीन है? हाँ जैन, मैं करवाऊ नहीं है 54। भाई क्लास में कितने बच्चे हैं जो बोलते हैं सर मैं करवाऊ? एक दो ही कह रहे हैं खुद करो, चलो शाबाश फिर। बोलते हो सभी है बेटा, मैं करवा रहा हूँ। भाई सर सवाल में क्या कह रहा है सर, प्लीज सीधा देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। सवाल में क्या कह रहा है कि 2189 is divided into three parts. अच्छा, such that their amounts after 1 year, 2 years and 3 years respectively may be equal. सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, कह रहा है 2189 तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है, कितना ए बी और सी तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है, मैं मतलब ए बी सी तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है। अच्छा, such that their amount after 1 year, 2 years and 3 years respectively may be equal. सबकी बराबर होंगी अमाउंट 3 साल बाद, 1 साल बाद और 2 साल के बाद। इसका मतलब ए वाली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा एक्स, बी वाली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा एक्स, सी वाली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा। भाई यही कह रहे हैं सवाल में, तीनों बराबर हो जाएंगे, मतलब तीनों की फ्यूचर वैल्यू सेम हो जाएगी। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बीइंग 4% इन ऑल केसेस, ओके, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट। पहले तो मुझे ईच पार्ट निकालना पड़ेगा, ए बी सी के ऊपर पार्ट क्या है। मैं बोलता हूँ 2189
क्या अगर मैं इस एक्स की डिस्काउंटिंग करूं फॉर वन ईयर, तो सही बात समझ में आती है ना, इसकी वन ईयर की क्या कर देंगे हम लोग, मतलब एक्स ओवर वन प्लस 4% मल्टीप्लाई बाय वन, सेट है बेटा। इस एक्स की कितने साल की डिस्काउंटिंग होगी, 2 साल की, मतलब प्लस करूंगा मैं एक्स ओवर 1+4% इंटू, इस एक्स की कितने साल की डिस्काउंटिंग होगी भाई, ऐसी लिखा हुआ था उसने कि 3 साल बाद, 1 साल बाद और 2 साल बाद वैल्यूज बराबर होंगी, सबकी डिस्काउंटिंग करा के 2189 ही बनना चाहिए। प्लस करेंगे एक्स ओवर 1+4% इंटू 3, क्या मसला है यार, तो ब्रेक के बाद सही के बाद। अब मेरा बेटा अगर मैं सॉल्व फॉर एक्स करता हूं तो एक्स कितना बनता है, 787.31, बस 31 के बाद कुछ भी है, 319 है ना, 32 कर लो इसको। इसका मतलब ये वो फ्यूचर वैल्यू है जो पार्ट ए बी और सी की होगी, सही है। अच्छा सर, अब एक और बात मैं यहां लिख देता हूं, 787.32, 787.32, 787. अब वो कह रहा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट का डिफरेंस, मुझे बताओ लार्जेस्ट पार्ट कहां इन्वेस्ट किया होगा उसने, एयर वन पे, एयर टू पे, एयर थ्री पे, एयर वन पे, क्यों, क्योंकि वो 3 साल बाद जाके 787 हो रहा है, और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कहां इन्वेस्ट किया होगा उसने, एयर थ्री वाले 1 साल के लिए, क्यों, क्योंकि वो 1 साल में ही 787 हो रहा होगा। तो अगर मैं लार्जेस्ट पार्ट निकालता हूं मेरा बेटा, तो लार्जेस्ट पार्ट के लिए 787.32 डिवाइड किससे करूं, 1+4% इनटू कितना, 1। तो लार्जेस्ट पार्ट मेरा बेटा आपके पास कितना बन रहा है, 757। और स्मॉलेस्ट पार्ट उसने कहा कि इन्वेस्ट किया होगा सी पर, क्योंकि वो 3 साल में 787 हो रहा है। अच्छा सर, 787.32 डिवाइडेड बाय 1+4% इनटू, तो स्मॉलेस्ट पार्ट कितना आ रहा है, 703 आ रहा होगा। इन दोनों का वो डिफरेंस पूछ रहा है, माइनस करा दो इन दोनों को, सेट है भाई, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, समझ में आती है कहानी, शब्द जल्दी से कॉपी करें, फिर बाबू भैया इंतजार कर रहे हैं हमारा, बाबू भैया इंतजार कर रहे हैं, बाबू भैया स्पॉट स्पॉट नहीं है भाई। जबकि शायान सबसे ज्यादा फुल टॉस देता है क्लास में भाई। मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट सवाल की तरफ, आ जाओ, एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। सेटल में मुझे व्हाट्सएप कर देना, करवा दूंगा उनको, ठीक है।
ओके सर, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई शाबाश, इंतहाई बच्चों वाला सवाल है, इसके बाद मैं एक बड़ा सवाल दूंगा। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, इंतहाई। आपको याद है हमने क्लास में प्रैक्टिस करते में स्कूल मैनेजमेंट वाला सवाल सॉल्व किया था, जिसकी मैंने आपको एक हिस्ट्री बताई थी कि सवाल गलत है, याद आती है? उसका मैंने एक दूसरा सवाल ही बनाया है आज, अभी इसके बाद वो करते हैं। वो सेम वैसे ही होता तो कर लेना। हाँ भाई हो गया, रुकूं? तस्वीर खींच रही है, बोल दो। एक मिनट, आ रहा है आ रहा है। बेटा ये हाँ भाई दोस्तों हो गया सॉल्व। एल्मा वेरी गुड बेटा, जबरदस्त। हाँ भाई कौन है, कितना? 13-60। सेट है सेट है। हाँ भाई सबर वर का, सबर वर का।
थ्री इक्वल पेमेंट दे रहे हैं वो वन इन मंथ टू, मतलब मंथ टू में एक पेमेंट दे रहे हैं, उन्होंने बोला इक्वल पेमेंट है मतलब एक्स। सेकेंड इन मंथ सिक्स, एक मंथ सिक्स पे पेमेंट दे रहे हैं कितनी एक्स। एंड थर्ड इन मंथ इलेवन, मंथ इलेवन पे पेमेंट दे रहे हैं वो भी क्या होगी एक्स। What is the amount of each payment in the, is the money is worth 12% simple interest and date of comparison is 11 month from now, मतलब DOC date of comparison हमारे पास क्या है, मतलब मैं new payment और existing payment को सबको मैं year month 11 पे ले आके compare कराऊंगा ऐसा। मुझे बताओ सर इस 25,000 रुपए की कितने महीने की compounding करूंगा कि ये 6 महीने की, इसका मतलब मैं सर बोल सकता हूँ कि सर 15,000 और 1 प्लस इंटरेस्ट का रेट क्या है ऊपर 12% मल्टीप्लाई बाय कितना 6/12 ऐसा प्लस ये 25,000 की कितने महीने की कंपाउंडिंग होगी, तो मतलब 25,000 और 1 प्लस 12% इंटू 1/4 कैसे भाई 3/12 आठ महीने है ना, तो 3/12 ये कितनी बनती है एग्जिस्टिंग पेमेंट्स की फ्यूचर वैल्यू कितनी बनती है जरा बताइएगा करके बता दो ना ताकि मैं लिख दूं यहां पर है 41650 सब बेटा दोबारा समझाया था मसला नहीं है एक मिनट रुक जाओ। अच्छा सर अब मैंने क्या करना है कि न्यू पेमेंट्स को ही मैंने फ्यूचर वैल्यू पे लेके कंपेयर कराना है क्योंकि डेट ऑफ कंपैरिजन 11 मंथ्स का है। मुझे बताओ इस एक्स की कितने महीने की कंपाउंडिंग होगी 9 महीने की, मतलब इस एक्स को मैं क्या बोलूंगा 1 + 12% × 9/+ इस एक्स की कितने महीने की कंपाउंडिंग करूंगा 5 महीने की, मतलब x into 1 + 12% × 5/12 प्लस इस x की कंपाउंडिंग करूंगा क्यों, क्योंकि वो मंथ 11 पर ही है डायरेक्ट x ऐड करूंगा, इसका भी हिसाब इतना मैंने चाहिए 41650 क्योंकि अल्टीमेटली देखो होता क्या है कि इंटरेस्ट के अमाउंट में फ्लक्चुएशन आती है उनकी प्रेजेंट वैल्यू सेम रहती है, जब मैं डेट ऑफ कंपैरिजन आगे बना रहा हूँ तो मतलब इंटरेस्ट भी मैं क्या कर एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, इसीलिए सबकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी सेम होगी जब ही मैंने इक्वेट कराई है ठीक है ना एग्जिस्टिंग और न्यू पेमेंट्स की। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व फॉर एक्स करता हूँ बेटा एक्स कितना बनता है 13264 नहीं 41650 कह रही है बच्ची नहीं ना 41650 नहीं इसका एक्स वैल्यू क्या बनती है 13264 आ रही है सेट है मेरा बेटा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, एक बड़ा डिफिकल्ट सवाल करते हैं फिर ब्रेक करेंगे। बिल्कुल मरियम सबा और भी बच्चे हैं दूसरे उनका उनको मुखातिब करके कह रहा हूं भाई सेट है समझ आया आप लोगों की। या एक काम करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मसला भी कर रहा है प्रोजेक्टर तो अभी ब्रेक कर लेते हैं सही है ना 2:20 पर नहीं नहीं यार प्लीज क्योंकि मैंने FM कंप्लीट करना और आगे भी चलना है आपने 2:20 का मतलब 2:20 ठीक है फटाफट से मैं जूम आउट कर रहा हूं 2:20 तक का ब्रेक है आप लोग ब्रेक पे चले जाओ नमाज और लंच का Thank you.
चलो बस फिर साथ साथ दो पीस से मुलाकात करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट काम करेंगे हम लोग, स्पॉट वाइज सवाल सॉल्व करेंगे ब्रेक के बाद। जी बच्चों आवाज आ रही है मेरी? चले भाई अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं प्लीज। चले भाई दोस्तों शाबाश, ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको सॉल्व करें फिर डिस्कशन करते हैं इस बारे में। शाबाश जल्दी से। जी भाई क्या आंसर आ रहा है इसका? जल्दी से सॉल्व करें फिर आंसर बताइए मुझे। शाबाश
8.5% कहाँ है? हाँ यूनिट्स है, यूनिट्स यूनिट्स 120 यूनिट्स है ना, 1,20,000, तो वो इंक्रीज हो रहे हैं 8.5 से पर एनम। बयान इम्तियाज हमें तो मैक्स की तैयारी करनी है ना, इसी वजह से मैं करवाता हूँ कि हमें मैक्स लेवल अचीव करना है अपना, इसी वजह से 3 नंबर का आएगा, क्योंकि इसका सिमिलर सवाल एक स्कूल मैनेजमेंट वाला सवाल था, वो भी पास पेपर्स का सवाल था, ठीक है, वो भी इसी तरीके का है, ये मेरा अपना बनाया हुआ सवाल है। भाई हो गया, क्या आंसर आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका, इंक्रीजिंग रेट, आशा जी क्या है 356 प्राइस है, सेलिंग प्राइस सेट है, और इंक्रीजिंग का रेट क्या आ रहा है, बताओ रेट, बताओ रेट, बताओ भाई मैं करवाऊं। हाँ भाई बड़ा खतरनाक सवाल है बच्चों, आ सवाल है यार, वो तो आपने बताना है ना। ओके शाहनवाज, चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखो बेटा सवाल में क्या लिखा हुआ है कि अ मल्टीनेशनल कंपनी हैज अ प्रोडक्ट एक्स वाई जी
इट्स सेलिंग प्राइस इज रुपीज 200 नाउ, आज वो 200 रुपए का बिकता है, एंड इट्स एनुअल यूनिट सोल्ड इज 120,000, 1,20,000 रुपए इसके आज यूनिट सोल्ड होते हैं, और विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट 8.5% पर एनम। अच्छा सर, इसका मतलब अगर मैं एयर जीरो पे डेटा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस कितना है 200, और जो यूनिट सोल्ड है वो 120,000 यूनिट्स है, और ये एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज कितने से हो रहे हैं, 8.5% पर एनम से इंक्रीज हो रहे हैं। द कंपनी विशेस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 100 मिलियन एट द एंड ऑफ ईयर 15, मतलब ईयर 15 पर उनको जो प्रॉफिट चाहिए वो कितना चाहिए, 100 मिलियन का, 100 मिलियन का प्रॉफिट चाहिए उनको। अच्छा सर, कंपनीज एक्सपेंसेस एंड देयर रेट ऑफ चेंज पर एनम इज एज फॉलो। अब कंपनी के एक्सपेंसेस दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का है, 2 मिलियन का, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज कितना है, 6% से इंक्रीज होगा, अभी का है ना सब, ईयर जीरो का डेटा ही है, मैं लिख लेता हूं एक्सपेंसेस की एडिंग में के इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का है अभी, 2 मिलियन का, और 6% से ये इंक्रीज होगा, फिर रेंट है 5 लाख रुपए का, 10% से इंक्रीज होगा, रेंट है 5 लाख रुपए का और 10% से इंक्रीज होगा, फिर सैलरी एक्सपेंडिचर इज 10 मिलियन जो के 8% से इंक्रीज होगा, मतलब सैलरी है 10 मिलियन की जो के कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, 8% से। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द फिफ्थ ईयर, सही है, एंड रेट। चलो भाई मुझे एक बात बताओ सर, मैं जो सेलिंग प्राइस बेचूंगा वो अपने टोटल रेवेन्यू और टोटल मतलब टोटल एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को कंसीडर करके बेचूंगा ना, जो सेलिंग प्राइस मैं अपनी प्रोडक्ट की रखता हूँ उस वो मैं दो चीजें कंसीडर करूंगा, क्या क्या, एक तो मेरे एक्सपेंसेस और एक मेरा प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैं ये निकालता हूँ कि सर मैंने टोटल रेवेन्यू कितना अर्न करना है 15 साल के एंड पे, ताकि फिर मैं उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके प्रोपोर्शनेट करके मैं आगे का काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब सर 15 साल की कहानी क्या, मुझे बताओ कि मैं एक्सपेंसेस को इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्या मैं कंपाउंडिंग करके फ्यूचर में लेके जा सकता हूँ 15 साल के बाद, कैसे करूंगा इसको। मैं ये लिखूंगा सर 2000 एंड 1000 और 1+6% की पावर 15, कितना बनता है ये, अच्छा खैर जितना ही बनता है उसमें प्लस करिएगा आप 500,000 और से कंपाउंडिंग 1+10% की पावर 15, जो अमाउंट है उसमें प्लस करना 10 मिलियन और 1+10% की पावर 15, 8% की पावर 15। तो आप मुझे जरा बताइएगा सर कि ये कितना बनता है टोटल आपका रेवेन्यू, इस सबको ऐड करो, ऐड करना प्रॉफिट को भी और सारे एक्सपेंसेस को ऐड करो, तो मुझे बताओ सर टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होता है इसका, कौन सी बेटा, ओहो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रहेगा हमारी और बस, अच्छा ये पूरी लाइन ही रहेगा यहां से आकर, ओके ओके एक मिनट, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, 1 मिलियन की है, ओके okay, और 3% से इंक्रीज हो रही है, तो 1 मिलियन एट द रेट 3%, दैट इज 1 मिलियन इंटू 1+3% की पावर 15, ठीक है ना, और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है 2 मिलियन जो 3.98% से एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है 3 मिलियन की ना, 2 मिलियन और जो कि इंक्रीज हो रही है 3.98% से, इसका मतलब 2 मिलियन
और 1 + 3.98% की पावर 15। तो जरा मुझे टोटल एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट बताना, जरा टोटल रेवेन्यू कितना बनता है मेरा। इनको जरा ऐड करें सबको और मुझे बताइए सर टोटल रेवेन्यू आपका कितना बनता है। 1-4 हाँ ठीक है 1437529 10 मतलब टोटल तुमने कितना रेवेन्यू कमाना है वो इतना है, ठीक है ना। अब इतना रेवेन्यू तुम्हारे पास जो है वो कहां से आएगा, यूनिट से आएगा। तो पहले मैंने ये निकालना पड़ेगा सर कि ये मैंने कितने यूनिट सोल्ड करने हैं। तो अगर मुझे बताओ मैं नंबर ऑफ यूनिट्स निकालता हूं तो नंबर ऑफ यूनिट्स का मैं निकाल सकता हूं इन 15th ईयर कैसे कि सर 120,000 यूनिट्स थे आपके पास और कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं 8.5% से। पावर इसकी बताओ क्या होगी, पावर 14 होगी क्योंकि अगर 15 रख दी तो वो एयर 15 के बाद आ जाएंगे, एयर 16 में आएंगे तो पावर इसकी 14 होगी। कितना बनता है ये नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनते हैं 3760008 कर दो, ठीक है ना 0.42 जाने दो उसको, मसला नहीं है। तो मतलब तुमने जो यूनिट्स बनाने हैं वो इतने यूनिट बनाने हैं। तो अगर मैं पर यूनिट प्राइस पूछता हूं आपसे, पर यूनिट प्राइस, तो आपने क्या बोला सर कि 1437529 10 का प्रॉफिट है जो मैंने इतने यूनिट 3760008 यूनिट बेचकर मैंने अर्न करना है। तो मेरे पास पर यूनिट की प्राइस कैसे आई 3.31 आ रहा है बेटा आ रहा है 382.31। इसका मतलब सर मैंने पर यूनिट इतना पैसा लेना है इन ऑर्डर टू कवर माय प्रॉफिट और माय एक्सपेंडिचर्स, ऐसा। तो मेरे पास ये पर यूनिट प्रॉफिट पर यूनिट प्राइस आ जाएंगे सेलिंग प्राइस। उसने साथ साथ मुझसे रेट भी मांगा था, आज कितने थे प्राइस 200 रुपए थे। तो अगर मैं रेट इंक्रीज रेट निकालना चाहूं तो रेट कैसे निकलेगा 382.31 = 200 और 1 + x% पावर बोलो कितनी, अगेन पावर सर 14 आएगी इसकी, वेरी गुड। तो मुझे बताओ x परसेंट कितना आ रहा है 4.736 है 4.736%। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा, सेट है भाई। 14 ईयर वाला यही कॉन्सेप्ट है ना, उसको दोनों चीजें कब कवर करनी थी, एयर 15 में कवर करनी थी, एयर 15 के अंदर, एयर 15 के बाद नहीं। तो अगर पावर यहाँ 15 रख दूंगा, अच्छा एक्सपेंडिचर में पावर इसीलिए 15 रखेंगे क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर मुझे साल के एंड पर चलते हैं, ठीक है, इसी वजह से। बाकी सब जगह पावर मैंने 14 रखनी है, मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ बेटा। मैं सवाल शो करता हूँ, ओके आयश इमरान, हाँ क्वेश्चन नंबर है इसका 7। पहले सॉल्यूशन तो देखो, मैं अभी पीडीएफ सेंड कर दूंगा ना अपने हैंडआउट की ग्रुप के ऊपर, मसला क्या है। अच्छा चलो मैं अभी भेजता हूँ फिर। ओ भाई मैं भेजूंगा तो आएगी ना, हाँ
पीडीएफ मैंने आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दी, ठीक है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करें भाई। हाँ, ये पूरी है चार चैप्टर्स की, चार चैप्टर जो मैंने आज के दिन डे वन पे डिसाइड किए थे, ये उनकी पूरी है, मैं करवाऊंगा ये। हाँ क्या, आज के दिन पूरे नहीं होंगे, सेकंड डे पे भी जाएंगे भाई। दोस्तों मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूँ नेक्स्ट सवाल पे? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चले भाई, फिर नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ। शाबाश। चलो भाई, ये आंसर नहीं है। शाबाश बेटा, सॉल्व करें फिर आंसर बताएं मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, जल्दी से। शाबाश जी। नहीं जी भाई, डन हो गया? मैं करवाऊं? भाई बच्चे कह रहे हैं पहले वाले का ऑप्शन डी है और दूसरे का ऑप्शन क्या है? सी है दूसरे का ऑप्शन। ये करेक्ट ऑप्शन है, पहले वाले को ऑप्शन बी डी करेक्ट है और दूसरे वाले को ऑप्शन सी करेक्ट है। मैं करवाऊं? हाँ भाई दोस्तों, मैं करवाऊं? अच्छा अच्छा, चलो देखो, इधर देखो फिर क्या लिखा भाई सवाल के अंदर के एबीसी मॉडल स्कूल अर्न नेट इनकम ऑफ रुपीज 2 million पर एनम ड्यूरिंग 2015-11 वेयर एज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन ईच स्टूडेंट वाज 60% ऑफ द फीस चार्ज बाय द स्कूल इट इज प्रोजेक्टेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट वुड इंक्रीज बाय 5% पर एनम वेयर एज द फीस चार्ज एंड द कॉस्ट इनकर्ड पर स्टूडेंट वुड इंक्रीज ईच ईयर बाय 10% एंड 6% रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल कॉस्ट इन 2015। अच्छा तो 2015 की कहानी है, पहले 2011 की कहानी देख लेते हैं। 2011 में उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है 2 million का, तो प्रॉफिट कैसे आता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस
कॉस्ट बोलो या एक्सपेंस बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर लो ये लोग। उसने बोला सर आपने कितने मिलियन का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन उसने ना रेवेन्यू बताया ना मुझे एक्सपेंसेस बताए, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला सवाल के अंदर कि 60% कॉस्ट इनकर्ड होती है, मतलब एक्सपेंसेस क्या है हमारे 60% है। तो अगर एक्सपेंसेस तुम्हारे 60% है तो रेवेन्यू तुम्हारे पास 100% होगा, तो प्रॉफिट कितने परसेंट हुई 40%, ऐसा ना 40% तुम्हारे पास प्रॉफिट हो गया। अब मैंने निकालना है सर रेवेन्यू, रेवेन्यू कैसे निकालूंगा मैं मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट जिस रिस्पेक्टिव परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है उससे डिवाइड करें, और जिस रिस्पेक्टिव परसेंटेज पे जाना उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर मैं 2 मिलियन को डिवाइड करता हूँ 40 से और मल्टीप्लाई करता हूँ किससे 100 से, क्योंकि रेवेन्यू की रिस्पेक्टिव परसेंटेज क्या है 100 है, तो आपके पास अमाउंट कितना आता रेवेन्यू का 5 मिलियन आता होगा। सिमिलरली सर अगर मैं इससे आपकी एक्सपेंसेस या कॉस्ट निकालना चाहूं तो भी आप निकाल सकते हैं कि सर 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपकी कॉस्ट जो आएगी वो क्या आएगी 3 मिलियन की आपकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा सर ये तो 2011 की कहानी हो गई, 2012 पे 15 पे जाना है हमने। अब हमने जब 2015 पे जाना है मेरा बेटा, तो उसने हमसे मांगा क्या है, उसने मांगा है कि टोटल कॉस्ट क्या होगी स्कूल की, सही है ना। अच्छा सर तो फिर उसने क्या बोला कि इट इज प्रोजेक्टेड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट वुड इंक्रीज बाय 5%, सही है। अच्छा सर एक बात और याद रखना, हमेशा दो चीजों के इम्पैक्ट आ रहे होंगे, जैसे कॉस्ट है, कॉस्ट पे दो चीजों का इम्पैक्ट आएगा, एक कॉस्ट के रेट का इटसेल्फ और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रो होने का भी उसके ऊपर रेट आएगा, सही है भाई। मिसाल के तौर के ऊपर पहले 10 बंदों पे खर्च होते थे 2000 रुपए, अब कॉस्ट बढ़ गई है, अब 10 बंदों पे खर्च होते 20,000 रुपए, सही है ना। और मिसाल के तौर पे 10 बंदों की जगह 12 बंदे हो गए, तो बंदा भी इंक्रीज हो गया और कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब कॉस्ट पे दो तरह के इम्पैक्ट आ गए, कौन कौन से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अलग और उसका कॉस्ट का रेट अलग। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने परसेंट से ग्रो हो रहे हैं 5% से, और कॉस्ट इटसेल्फ कितने उससे ग्रो हो रही है, हाँ बोलो 10% से। वेयर इज द फीस चार्ज एंड द कॉस्ट इनकर पर स्टूडेंट, फीस चार्ज 10% से और कॉस्ट इनकर है 6% से। तो अगर मेरा बेटा तुम कॉस्ट निकालते हो, अगर तुम कॉस्ट निकालते हो तो कॉस्ट पे दो इम्पैक्ट आएंगे, कॉस्ट अभी कितने की है 3 मिलियन की, तो 1+6% की पावर कितनी 4, क्योंकि 2011 था ना, 2015 में आएगी 4 साल, और फिर 1+5% की पावर 4, तो कॉस्ट पे मेरे पास दो तरीके के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट आपकी कितनी बनती है, 4, 6, 0, 3, 6 है 4, 8 4, 5, 4, 6 कर लो ना इसको। तो मतलब इतनी तुम्हारी 2015 के अंदर क्या आ रही है कॉस्ट आ रही होगी, क्या बात समझ में आती है। यस सर 40 से डिवाइड क्यों, अरे मेरा बेटा अरहम रहमान ये परसेंटेज है बेटा, मैंने बचपन में सिखाया था कि जो अमाउंट जिस परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती है उससे डिवाइड करेंगे और जिस अमाउंट पे जाना उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। आपके बचपन में है हाँ वैसा वाला सीन है, जैसे मार्केट मार्जिन में हम लोग राउंड ऑफ वाला करते थे ना सीन, क्योंकि नॉर्मल केस है ना मेरे पास, सही है। जब वो मार्कअप मार्जिन बोलता है तो फिर मैं अबव 100% या 100% अज्यूम करता हूँ, सही है ना। अच्छा सर इसके साथ साथ मैंने क्या निकालना है, अपना रेवेन्यू भी निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या है, नेट प्रॉफिट, तो मैं रेवेन्यू निकालना पड़ेगा कि रेवेन्यू कितना आ रहा है मेरे पास। रेवेन्यू कैसे निकलेगा सर कि अभी टोटल रेवेन्यू कितना था 5 मिलियन का, और रेवेन्यू कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा हूँ फीस में 10% से,
और अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इंक्रीज होंगे तो रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 5% से इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बेटा 5% से ही हो रहे हैं ना, 6 से कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं आपके पास, 8898113। तो इसका मतलब तुम्हारे पास इतना रेवेन्यू आ रहा है और इतनी तुम्हारी कॉस्ट आ रही है, तो नेट प्रॉफिट इन दोनों के बीच का होगा, इन दोनों को जरा आपस में माइनस कर लेना, नेट प्रॉफिट कितना बनता है, 429.67 ही बन रहा है, ठीक है ना। तो इतना तुम्हारे पास आ रहा होगा इस कितनी नेट प्रॉफिट, सेट है बेटा, ऊपर ऑप्शन देख लेते हैं, 429446767768 सही है, ऑप्शन सी वेरीफाइड होता है। मैं जूम आउट कर रहा हूं, क्या नजर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो गया, हाँ ना भाई। अच्छा ये सवाल दोबारा से रिपीट करूं या नहीं करूं, करना है, चलो ये सवाल मैं दोबारा से समझा रहा हूं, इसको कॉपी करें, मैं दोबारा समझाया तो मसला नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई मसला नहीं है बेटा, बेटा हाँ भाई आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़े क्या, या ये रिपीट कर दूं, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, आप सभी इधर देखो, शाबाश इधर देखें, शाबाश, मैं सवाल रिपीट करता हूं आपके सामने, सवाल अगेन शो कर देता हूं, और ना आप लोग जरा प्लीज अटेंटिव, सवाल मैं अगेन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं, ये रहा सवाल। अब सर इस सवाल में उसने कहा क्या था, सवाल में ये कहा था कि एबीसी स्कूल अर्न अ नेट इनकम ऑफ रुपीज 2 मिलियन, 2 मिलियन की नेट इनकम का मतलब क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाता है वो 2 मिलियन का पर एनम ड्यूरिंग 2011। अच्छा, वेयर एज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन ईच स्टूडेंट वाज 60% ऑफ द फीस चार्ज बाय द स्कूल। देखो अगर मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट बोलो या एक्सपेंस बोलो, बात एक ही है। अच्छा सर, तो 2 मिलियन का उसने कमाया था प्रॉफिट, ना मुझे रेवेन्यू दे रहा है ना मुझे कॉस्ट दे रहा है। अच्छा सर, लेकिन उसने एक बात ये बोली कि स्कूल जो है वो 60% अपनी कमाई का कॉस्ट पे लगा देता है बच्चों की, तो इसको मतलब 40% उसको बचता होगा। अगर रेवेन्यू वो 100% कमाता है और 60% अपनी कॉस्ट लगा देता है तो उसको 40%, इसका मतलब जो प्रॉफिट का 2 मिलियन है वो 40% है। इसको मैं राउंड ऑफ करके अपनी कॉस्ट और अपना एक्सपेंस निकाल सकता हूं, अपनी रेवेन्यू और अपना एक्सपेंस निकाल सकता हूं। रेवेन्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि 2 मिलियन को डिवाइड करूंगा 40% से, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 100% से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा दैट इज 5 मिलियन का। फिर कॉस्ट भी आप निकाल सकते हो, आपकी 3 मिलियन की क्या आ रही होगी, कॉस्ट आ रही होगी।
ठीक है, कॉस्ट भी इसी तरीके से निकाल सकते हो, कैसे के एक्सपेंसेस हैं आप, प्रॉफिट है आपके पास 2 मिलियन का, डिवाइड बाय 40% मल्टीप्लाई बाय 60% है कॉस्ट, तो 60% से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 3 मिलियन आएगा। यहां तक बात समझ में आती है सबको? यस सर। अब मेन गेम शुरू हो रहा है, अब आ रही है 2015 की कहानी। अच्छा पहले याद रखो, 10 बंदों का खाना 12,000 रुपए का है, 10 बंदों का खाना 12,000 रुपए का खाना खाते हैं 10 बंदे। लेकिन फिर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, अब यही 10 बंदे नहीं अमीर लोग हैं, 14,000 रुपए का खाना खाते हैं। अरे यार अच्छा ना, इधर देखो शाबाश, 14,000 रुपए का खाना खाते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे अब बंदे हो गए 15, अब 15 बंदे हो गए, तो इन 15 बंदों की जो 5 बंदों की एडिशनल कॉस्ट है उसके ऊपर इमरान खान की हुकूमत का भी तो फर्क पड़ेगा ना, या वो नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ जो है वो खाएंगे? नहीं, इमरान खान की हुकूमत में पैसे खाएंगे। तो इसका मतलब अब जो कॉस्ट हो गई वो हो गई 20,000 रुपए, लेट से 20,000 रुपए हो गई। तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट पे 2 इम्पैक्ट आए, एक तो बंदे इंक्रीज होने का भी और एक महंगाई का भी, ठीक है ना। इसी तरीके से अब अगर मैं 2015 में कॉस्ट निकालता हूँ अपनी, तो एक तो नंबर ऑफ बच्चा बढ़ रहा है, उसकी भी इम्पैक्ट उस पर आएगा कॉस्ट पे, और फिर कॉस्ट इटसेल्फ भी बढ़ रही है, तो कॉस्ट पे 2 इम्पैक्ट आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट का भी और कॉस्ट के इंक्रीज होने का भी। तो 2015 में मुझसे मांग रहा था वो कॉस्ट अभी कितनी है? 3 मिलियन की कॉस्ट है। अब 3 मिलियन की कॉस्ट है तो अगर मैं इसको प्लस करता हूँ 1+6% से कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी 4 सालों तक होगी, लेकिन नंबर ऑफ बच्चे भी तो इंक्रीज हो रहे थे, वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं? 5% से। तो इस पे अगेन इंपैक्ट लगाया 1+5% की पावर 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉस्ट जनरेट करी कितनी, 4603646, तो ये आपकी आ जाएगी मेरा बेटा कॉस्ट इस तरीके से। चाहिए भाई, अब समझ में आया? अब रेवेन्यू भी निकाल सकते हो, रेवेन्यू निकालोगे रेवेन्यू पे भी क्या इंपैक्ट होंगे, 2 इंपैक्ट होंगे। रेवेन्यू कितना है 5 मिलियन का, रेवेन्यू कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है? 10% से इंक्रीज हो रहा है, और बच्चे भी तो इंक्रीज हो रहे हैं, उनसे और रेवेन्यू आएगा मेरे पास। तो मतलब 1+5% की पावर 4, तो टोटल रेवेन्यू मैंने कितना अर्न किया फिर, 8889813 टोटल रेवेन्यू मैंने उन लोगों से इतना अर्न किया। अगर मैं पूछूं कि सर मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना होगा, इन दोनों को माइनस करो, बताओ कितना बनता है? 4429। इसका मतलब मैंने इतना नेट प्रॉफिट कमाया होगा। सेट है मेरा बेटा, मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? चले भाई फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चले भाई तो भाई बॉन्ड्स के केस में अगर मैं टाइमलाइन ड्रॉ करता हूं इसकी, तो ये आ जाएगा एयर 0, एयर 1, 2 एंड एयर 3। प्रेजेंट वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कितनी है बॉन्ड्स के केस में, 6 लाख रुपए की, 600,000 रुपीज की। और ये कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, विशेष टू डिस्काउंटेड आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 साल के बाद उसने डिस्काउंट करा लिया इसको,
अच्छा द नोट विल ओरिजिनली पेबल आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस कंप्यूट द अमाउंट दैट होल्डर वुड रिसीव इफ द डिस्काउंट रेट इज 10%. मतलब प्रोसीड्स निकालनी है. मैंने बताया था बॉन्ड्स के केस में जब प्रोसीड्स निकालनी हो तो दो स्टेप करने, कौन से? पहले फेस वैल्यू से कहां जाना है, मैच्योरिटी वैल्यू के ऊपर, और फिर मैच्योरिटी वैल्यू से कहां आना है, प्रोसीड्स पर. तो सबसे पहले तो मैं मैच्योरिटी वो निकालूंगा, मैच्योरिटी वैल्यू मतलब s = p * 1 + rt. तो बेटा s = 600,000 और 1 + 8% मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि टाइम हम लगते हैं टोटल टाइम. तो मैच्योरिटी वैल्यू यहां से कितनी बनती है मेरा बेटा, 744,000. इसका मतलब मैंने टोटल मैच्योरिटी वैल्यू अपनी इतनी अर्न करी है, इतने मिलने थे मुझे, लेकिन वो डेढ़ साल बाद आ गया. तो अब मैं मैच्योरिटी वैल्यू से कहां आऊंगा, प्रोसीड्स पे. मैच्योरिटी वैल्यू से प्रोसीड्स पे आने का फॉर्मूला क्या है कि प्रोसीड्स इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू और 1 माइनस आरटी. तो प्रोसीड्स कितनी है, 744,000. मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है मेरे पास, नहीं मैच्योरिटी थी ये तो, ओके ओके, 744,000 और 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% था डिस्काउंट रेट, उसने लिख के दिया हुआ 10% यहां पर, मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम नहीं है ये, कौन सा है, अनएक्सपायर्ड टाइम. अनएक्सपायर्ड टाइम बोले तो टाइम बिटवीन प्रोसीड्स एंड मैच्योरिटी वैल्यू 1.5. तो कितना बनता है, 6324. इसका मतलब ये वो प्रोसीड्स का अमाउंट है जो उसको मिलेगा, ऐसा ये मेरा आंसर हो जाएगा. आओ भाई एक और, एक मैं हैंड ग्रेनेड मारता हूं. क्या हुआ, हाँ भाई मैं आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता, ओके आ जाओ फिर. हाँ भाई आगे बढ़े, चलो अब चैलेंजिंग सवाल देता हूँ मैं. किसका, इसका 11 नहीं, एक सवाल है मिस्टर अली चिंगारी. बॉन्ड वाला ही है ना 11 वाला, तो छोड़ जाने दो यार. आंसर मैंने ख्याल में शायद मैंने नहीं कराया होगा, नहीं करवाया 11 बेटा. बहुत लेंथी सवाल है स्पॉट का, ठीक है, और आप लोग खुद से करेंगे सुकून से, मैं आपको सुकून से 10 मिनट दे रहा हूं. ठीक है 10 मिनट दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करें फिर मैं करवाऊंगा. एक मुझे एक बात बताओ, इधर बात सुनो. नहीं नहीं मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं बस, फिर आप लोग खुद करेंगे. मिसाल के तौर पे एक टाइमलाइन है, ईयर 0, ईयर 10, ईयर 20, ईयर 40, ऐसे टाइमलाइन है. यहां मैंने 100 रुपए जमा कराए 10 सालों के लिए, यहां पे इंटरेस्ट रेट था 10% का, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर है 14% का, ऐसा. तो इतने पीरियड की जो कंपाउंडिंग करूंगा वो 10% से करूंगा, इतने पीरियड की
मतलब जो टाइमलाइन पे जो पीरियड का एयर चल रहा होगा मैं उसी के एयर के अकॉर्डिंगली क्या करूंगा अपनी कंपाउंडिंग करूंगा। चाहिए भाई चले शाबाश, फिर इसका मतलब आपको पता चीज है, शाबाश चलो एक मिनट। सुकून से आप सॉल्व करेंगे, 10 मिनट दे रहा अपना माइक म्यूट करो, फिर डिस्कशन करूंगा इस बारे में। है 2 2 3 3 किसका आ रही है? वेरी गुड, जबरदस्त आ रहा है बच्ची का। हाँ भाई एक बच्ची का तो आ गया आंसर। हाँ क्या कह रही हो तुम? वेरी गुड, सही है यार। तफरी नहीं करो, सॉल्व करो, शाबाश। स्पॉट एयर 60 बना लो भाई, स्पॉट एयर 60 बनाओ। क्या आंसर आ रहा है? 2 3 समथिंग है, 2 3।
हाँ भाई, सिर्फ दो बच्चों ने मुझे अब तक आंसर बताया है। 233। चलो तुम्हारा भी सही है, वेरी गुड इल्मा, वेरी गुड बेटा। तीन चार बच्चों ने आंसर बता दिया, चलो इसका मतलब कुछ तो पास होंगे पढ़ाई में है। बिरयानी खिला दूंगा मैं सबको अपने हाथों से। भाई मैं करवाऊं, हाँ भाई मुनीबा कर रही हो, करें ऑनलाइन भी सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया अब तक। ओके अरहम, हाँ बताएं। टू डबल थ्री जीरो वन है आंसर, 233-01। मैं करवाऊं, ओके हाँ भाई दोस्तों डन। शाबाश बेटा शाबाश, बातें नहीं। ये मैंने ऐसी रैंडम बनाई है अभी, ये तो मैंने ऐसी रैंडम बनाई है। नहीं मरियम, ये तो मैंने कैसी रैंडम बनाई है, अभी बनाता हूँ सवाल के अकॉर्डिंग जब मैं करवाऊंगा। तो मैं करवाऊं बेटा 233-01। मैं करवाता हूँ, चलो भाई शाबाश। देखो सर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर अली चिंगारी इज 20 इयर्स ओल्ड नाउ एंड ही इज प्लानिंग टू रिसीव 45,000 एट द एंड ऑफ करंट ईयर at the end of every year after his retirement for 20 years and interest rate will be 5% per annum. इसका मतलब सर वो year 61 से जो है amount withdraw करना चाहेंगे, ऐसा year 61 से amount withdraw करना शुरू करेंगे, कितना 45,000 रुपए, और कब तक करेंगे 20 सालों तक करेंगे withdraw, और इंटरेस्ट रेट क्या होगा इस टाइम के ऊपर 5%।
फिर क्या लिखा है, ही स्टार्ट डिपॉजिटिंग रुपीज 2000 एट द एंड ऑफ द करंट ईयर एंड नेक्स्ट 19 इयर्स. करंट ईयर का एंड क्या होगा, ईयर 21. एट द एंड ऑफ करंट ईयर नेक्स्ट 19 इयर्स का मतलब क्या है, 2000 रुपए यहां से वो डिपॉजिट करना शुरू करेंगे और करेंगे ईयर 40 तक. और यहां पर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट क्या है, 3% का रेट है. फिर क्या लिखा हुआ, ही ऑल्सो विशेस टू डिपॉजिट सम अमाउंट एवरी ईयर एट 2.5% पर एनम फ्रॉम एज 41 टू 55. मतलब ईयर 41 टू ईयर 55 एक एक्स अमाउंट रुपीज डिपॉजिट करा रहे हैं, कितने सालों तक, 5 सालों तक. और यहां पर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट क्या है, 15 साल कहां से आ गए, ओके 15 सालों तक. और यहां पर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट क्या है, 2.5%, ठीक है ना. अच्छा, और क्या यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट दैट शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फ्रॉम ईयर 41 टू 55. अच्छा सर, मतलब एज 55 टू एज 60 वो कुछ नहीं कर रहे, खाली है. तो इंटरेस्ट रेट वहां पे क्या होगा, जो उससे पहले का इंटरेस्ट रेट था 2.5, मतलब यहां पर भी इंटरेस्ट रेट 2.5% ही होगा. ओके सर, अब मैंने सर स्पॉट वन का पॉइंट डिसाइड करना है. मैं बोलता हूँ सर स्पॉट बनाऊंगा मैं एज 60 पर, तो मैं ये क्या बोलूंगा, एट एयर 60 फुरकान खान रिटायरमेंट. हम अंडरस्टूड करते हैं भाई के एयर 60 पे ही रिटायरमेंट होती है, ठीक है ना, सारे सवालों में एज 60 पे रिटायर होगा. अच्छा, एट एज 60 फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल डिपॉजिट्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनकम्स. अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ सर, यहां पर 2000 रुपए हर पीरियड के एंड पे कर रहा था 20 सालों के लिए, ऑर्डिनरी एन्युटी लग रही है ऐसा ना, मुझे बताओ अगर मैं ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कहाँ आऊंगा, ईयर 40 पर आऊंगा. मतलब अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कि 2000 और 1+3% की पावर 20-1/3%, तो मैं कहाँ आऊंगा मेरा बेटा, 40 पे आऊंगा, यहाँ आऊंगा 40 पर. तो जब मैं ईयर 40 पे आ जाऊंगा तो स्पॉट बनाया मैंने कहाँ पर, एज 60 पे, तो मैंने कितने साल की इसकी कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी. अभी एप्लीकेबल रेट क्या है इस टाइमलाइन के ऊपर, 2.5%, ठीक है ना. तो आगे जो कंपाउंडिंग करोगे 1+2.5% की पावर 20 रख देना ऐसा, तो इसका मतलब तुम्हारी 2000 वाली अमाउंट कहाँ चली जाएगी, स्पॉट वाले पॉइंट पे चली जाएगी. प्लस ये भी एक्स तुम जो डिपॉजिट कर रहे थे ये भी पीरियड के एंड पे कर रहे थे ऐसा, जब पीरियड के एंड पे गए थे तो यहाँ पे भी ऑर्डिनरी एन्युटी लग रही है. जब यहाँ पर तुम ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे तो कहाँ आओगे, ईयर 55 पर आओगे, ठीक है ना. इसका मतलब ये एक्स और 1+2.5% की पावर कितनी, 15-1/3, तो ये तुम आ जाओगे कहां पर, ईयर 55 पे. फिर इसकी तुमने कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी कितने साल के लिए, 5 सालों के लिए. इसका मतलब एक कंपाउंड इफेक्ट है एक्स्ट्रा, 1+2.5% की पावर कितनी, 5 ऐसा. तो तुमने अपने सारे डिपॉजिटेड कहां लेगा तुम, स्पॉट के पॉइंट पर लेकर, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम्स. तो 45,000 रुपए तुम विड्रॉ कर रहे थे 20 सालों तक, ऑर्डिनरी एन्युटी है ये भी क्योंकि पीरियड के एंड पे था सारा. तो ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू तुम्हें कहां लेके आती है, फर्स्ट पेमेंट के एक साल पीछे, तो फर्स्ट के एक साल पीछे मतलब एज 40 भी आओगे, कोई एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग कराने की मैंने जरूरत नहीं है. तो मैं क्या लिखूंगा, 45,000 और 1-1+5% की पावर -20/5%. तो आप इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं मेरा बेटा, तो सॉल्व फॉर एक्स करोगे तो x की वैल्यू आएगी क्या, 233. अच्छा, बहुत से बच्चे इस पूरी लाइन को कैलकुलेटर में डालेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना, इसको सॉल्व कर लो, अमाउंट लिख लो, इसको सॉल्व करो, अमाउंट लिख लो, दोनों को माइनस करा के फिर फॉर्मूले में इक्वेट करा देना, ठीक है ना.
तो 23301 तुम्हारे पास आंसर आ रहा होगा। अच्छा मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्लास में कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने ये 70% खुद से सॉल्व किया है? 70%। अच्छा कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने 80% खुद से सॉल्व किया है? 90 वाले कितने? और पूरे 100 वाले कितने जिन्होंने पूरा 100 खुद आंसर निकाला है? एक दो बच्चों का यहाँ से आंसर आया था, इसका इसका, और एक ऑनलाइन में बची थी इल्मा उसका। इस तरह का सवाल पेपर में नहीं आएगा, नहीं मतलब कि इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। बहुत स्पॉट भी हुआ तो एक इनफ्लो एक आउटफ्लो देगा, बोलेगा स्पॉट बना दो बस। इस देखो बेटा इधर देखो, ये सवाल पेपर में आ सकता है इस तरह का, ठीक है? क्योंकि उसने हमें लिमिट तो नहीं दी हुई ना, उसने हमें जब पेपर में स्टडी टेक्स्ट में टॉपिक दिया है तो उसने हमें लिमिट नहीं बताई कि भाई मैं यहाँ तक टेस्ट करूंगा उसके बाद टेस्ट नहीं करूंगा। टॉपिक पूरा देने का मतलब क्या है, वो हर लेवल टेस्ट कर सकता है। तो हमने तो मैक्स लेवल का ही पढ़ना है कि अगर इस तरह का खुदा ना खासा सवाल आईकेएफ की पेपर में आ जाता है तो आप जो है वो इजीली मैनेज कर सको, लेकिन पास चीजों को देखते हुए इस तरह के सवाल आने के चांसेस कम है। शाहनवाज काउंट करो, 20 इयर्स ही होंगे बेटा, काउंट करो। क्यों आएगी ऑर्डिनरी आइडेंटिटी के प्रेजेंट में फोन तो फर्स्ट पेमेंट एक साल पीछे लेके आता है। हाँ भाई दोस्तों क्लियर है, मैं आगे बढ़ सकता हूं? यार फटाफट से कॉपी करो, फटाफट से। मेरे पास सिर्फ हाफ आवर और है, मैंने उसमें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट कराना है, बाकी के दो तीन चीजें, और स्पॉट के मैं ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, एक सवाल करा दिया आप लोगों को, बाकी जो मेरे हैंडआउट में स्पॉट के सवाल होंगे वो आपने प्रैक्टिस करने, ठीक है ना? मैं फिर आगे की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ। 4 बजे तक हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स करेंगे, उसके बाद हम जो है वो मैथमेटिकल प्रोग्रेशन वगैरह देख लेंगे, ठीक है ना? छोटा सा कोई टॉपिक देख लेंगे मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, ताकि 5 बजे तक वो हो जाएगा। डिफरेंशिएशन और लीनियर प्रोग्रामिंग पर हम डे 2 पे कंसिडर करेंगे। आज कैसे कराएं, 10 बजे तक ले जाए क्लास? मैथमेटिकल प्रोग्रेशन छोटा टॉपिक नहीं है, उसकी वर्किंग बड़ी होती है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। बेटा शाबाश, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चले भाई देखे शाबाश। ये सवाल बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था कि सर करवाना ही है, मैंने बहुत सारे बच्चों को करवाया भी है पर्सनली, लेकिन अभी सबके लिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है ना? शाबाश, बॉन्ड वाला कहाँ है भाई? चलो भाई शाबाश, मैंने बहुत सारे बच्चों को करवाया भी है पर्सनली ये सवाल, आपको अभी करवाया था बेटा, और बोले
9817 समथिंग इसका आंसर होगा। वन ईयर फ्रॉम द लोन बीन टेकन, वन ईयर है, एक साल के बाद से शुरू होगा ना। हाँ क्या चल रहा है? आप पूरा पैकेट खा लें। भाई मैं करवाऊं? पहले से ही पढ़ता था ये। भाई मैं करवाऊं सवाल सॉल्व? नहीं, चलो भाई इधर देखो, शाबाश। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि आज बिल्डिंग सोसाइटी ऑफर्स अ लो मोर्टेज लोन ऑफ ₹40,000 विद 10 एनुअल रीपेमेंट्स, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम वन ईयर है, वन ईयर फ्रॉम द लोन बीन टेकन आउट, द इंटरेस्ट रेट अप्लाइंग थ्रू आउट विल बी 11% पर एनम, बट द रीपेमेंट विल ओनली बी 5,000 पर मंथ फॉर स्टार्टिंग 5 years. What equal annual payments will be required in each of the last 5 years of mortgage? इसका मतलब सर टोटल 10 सालों के लिए लोन दिया था, ईयर 0, ईयर 5 और ईयर 10, टोटल 10 सालों के लिए लोन दिया था उन्होंने कितने का, 40,000 रुपए का। फिर उन्होंने ये बोला कि सर आप 5 years का मतलब क्या है, ईयर 1 से ईयर 5 तक आपने 5,000 रुपए इनको पे करने है ना, 5,000 रुपए पे करने, और इंटरेस्ट रेट क्या था, 11% का इंटरेस्ट रेट था। अच्छा सर, फिर उन्होंने बोला कि सर के आखिरी के 5 सालों की पेमेंट क्या होगी, मतलब ईयर 6 से ईयर 10 तक की पेमेंट क्या होगी, वो आपने बतानी है मुझे। अच्छा सर, टोटल इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, 11% का चल रहा है। अच्छा सर, मुझे एक बात ये बताओ, यहां से यहां तक की जो अमाउंट है इसमें इंटरेस्ट शामिल है ना, और यहां से यहां तक की अमाउंट उसमें भी इंटरेस्ट शामिल होगा ऐसा? अगर मैं पहले वाले पार्ट में से और दूसरे वाले पार्ट में से दोनों में से इंटरेस्ट हटा दूं और दोनों को प्लस करूं तो क्या बनना चाहिए, जितना लोन लिया होगा उतना ही बनेगा भाई, 40,000 रुपए। इसका मतलब ईयर 1 टू ईयर 10 सारी रीपेमेंट्स की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करूं ईयर 0 तक, तो मेरे पास 40,000 रुपए लोन का अमाउंट बनना चाहिए ऐसा? यस सर। तो भाई पहले पार्ट के अंदर यहां पे क्या लग रहा था, ऑर्डिनरी एन्यूटी, सही है। ऑर्डिनरी एन्यूटी की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाता हूं मेरा बेटा, तो 5,000 और 1 माइनस 1 प्लस 11% की पावर कितनी, माइनस 5 ओवर, तो ये कहां आ जाएगा, फर्स्ट पेमेंट के एक साल पीछे ईयर 0 पे आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। प्लस मैंने इन वाले पेमेंट्स को भी ईयर 0 तक लेके जाना है, तो यहां पर भी ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगाता हूं, तो ये हो जाएगा x और 1 माइनस 1 प्लस 11% की पावर माइनस 5 ओवर 11% मेरा बेटा। लेकिन ये ईयर 0 पे तो नहीं आया, कहां आया, फर्स्ट पेमेंट के एक साल पीछे, ईयर 5 पे आया,
अब हेयर जीरो पे जाने के लिए मैं फर्दर क्या करूंगा, इसकी डिस्काउंटिंग कर दूंगा हेयर जीरो तक पे जाने के, तो मैं क्या बोलूंगा डिवाइडेड बाय 1 + 11% की पावर 5। सेट है? तो आप जब सॉल्व फॉर एक्स करोगे कैलकुलेटर से तुम लोग, तो क्या आंसर आ रहा है 9981। ओके क्या क्या समझ नहीं आया? पहली लाइन सवाल की समझ नहीं आई? मोहम्मद साहब बैठे हैं, कह रहे हैं सर कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा, क्या समझ नहीं आया तुम्हें? अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल की पहली दो लाइनें समझ नहीं आई, सॉल्यूशन कॉपी करें। मोर्टेज मतलब लोन होता है एक तरह का, ये समझ लो। गिरवी रखते हैं ना कोई चीज, हम सॉल्यूशन कॉपी करें। मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। नहीं, एयर जीरो पे इलाके में कंपेयर कराना पड़ेगा। हाँ, तो हम आइडियली सोचेंगे ना, सबकी रीपेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू मुझे गिवन है। फिर हाँ भाई बच्चों, मैं सॉल्व आगे बढ़ूं। अच्छा, कुछ 4-5 बच्चे क्लास में, उनको मैं ये सवाल क्लास के एंड पे करवा दूंगा, सही है, पर्सनली बिठाकर। अभी क्लास का टाइम वेस्टिंग कर रहा मैं, नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन कर रहा हूँ, ठीक है ना? चलो भाई, शाबाश, सॉल्व करो सवाल, फिर बात करते हैं। हाँ ना, समझा दूंगा अभी क्लास में। भाई इधर, ये क्यों बातें करना शुरू कर देते हो यार तुम लोग फौरन से? हाँ, सिक्स आंसर है, पता नहीं। ये मेरे पास क्या है, 8%, क्योंकि इसकी एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है। ये मेरे पास क्या है, क्योंकि इसकी एनपीवी मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, 8% मतलब 20% प्लस एनपीवी ए ओवर एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी। अब एनपीवी बी ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो मैं प्लस रख दूंगा 120, और फिर बी माइनस ए परसेंट मतलब 30 - 20%। कैलकुलेटर सॉल्व करना, बताना कितना बन रहा है, 23.33%। ऐसा ब्रैकेट में है तो वो नेगेटिव है, सही है भाई। आगे बढ़ जाऊं फटाफट से यार। कॉपी करें बेटा, मैंने हाथ थोड़ी रोका आपका।
भाई डन, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? शाबाश, को सॉल्व करें, बात करते हैं फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, 30 नेगेटिव कैसे? 30 नेगेटिव कहाँ है भाई? है रोहिल, 30 कौन सा नेगेटिव कह रहे हो बेटा? ये 30 हमेशा, यार प्लीज, हमेशा बी परसेंट वो होता है जिसकी एनपीवी नेगेटिव होती है। यहाँ पे एनपीवी ब्रैकेट में दी हुई थी, एनपीवी नेगेटिव है, इसीलिए मैंने बी परसेंट एनपीवी 30 वाला लिया है, सही है ना? ए परसेंट वो होगा जिससे एनपीवी पॉजिटिव होगी, बी परसेंट वो होगा जिससे एनपीवी नेगेटिव होगी। भाई शाबाश, कैलकुलेट करने बताया क्या आ रहा है आंसर? हो सकता है। ये मैंने अभी कल ही अपडेट किया, मैं खाम साथ हैंड आउट। भाई मैं करवाऊं? मैं करवा देता हूँ बेटा, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करें, मैं अभी चुपचाप सिर्फ लिख रहा हूँ, अपनी वर्किंग सेव कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ भाई, जी भाई डन, मैं करवाऊं? ओके, रीसेट करके करा करो, हर सवाल से पहले करो। पता नहीं मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ। अच्छा सही जा, देखें बेटा, अब इस सवाल के अंदर हमारे पास दोनों में सिर्फ इनफ्लोज गिवन है, आउटफ्लो गिवन नहीं है, ठीक है ना? कंपनी ए के इनफ्लो गिवन है, कंपनी बी के इनफ्लो गिवन है, और दोनों के आउटफ्लो मिसिंग है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दोनों के आउटफ्लो इक्वल हो सकते हैं, है ना? तो अगर इनके दोनों के आउटफ्लो इक्वल होंगे, मतलब दोनों फॉर्मूला की राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो कंपनी ए के इनफ्लो, कंपनी बी के इनफ्लो ये भी तो बराबर हो सकते हैं दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, है ना? मैं ये बोल सकता हूँ कि कंपनी ए के इनफ्लो कंपनी ए के और बराबर हो सकता है कंपनी बी के इनफ्लोस के, ऐसा। लेकिन अब सीन कुछ ऐसा है कि एक दफा चार फैक्टर है, एक जगह तीन फैक्टर है, तो फॉर्मूला सॉल्व में अगर कैलकुलेटर में डालोगे तो सात फैक्टर नहीं आते कैलकुलेटर के अंदर ना, तो एक काम करना पड़ेगा, कंपनी बी के इनफ्लोस को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कराना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जगह कंपनी ए के इनफ्लो माइनस कंपनी बी के इनफ्लोस, इसको इस तरीके से कर लेते हैं।
अगर ऐसे करेंगे कि कंपनी ए के इनफ्लोज माइनस कंपनी बी के इनफ्लोज, तो एयर वन के ऊपर कंपनी ए के इनफ्लोज अमाउंट कितना है 958000 माइनस कंपनी बी का अमाउंट कितना है 11155, तो इनका डिफरेंस कितना बनता है माइनस 197000 नेगेटिव बनता है, ठीक है ना। ये एयर वन की कहानी है। एयर टू पर आपके पास 875000 है माइनस, और एयर टू का कंपनी बी का बैलेंस कितना है 986000, कितना बनता है नेगेटिव 111000। फिर आता है एयर थ्री, एयर थ्री में अमाउंट कितना है 960000 कंपनी ए का, माइनस 10 कितना बनता है माइनस का 100000। और फिर एयर फोर पे 7, ठीक है ना। अच्छा आपको याद है जब मैंने ऊपर अभी लिखा था कि कंपनी ए के इनफ्लो माइनस कंपनी बी के इनफ्लो इज इक्वल टू 0 था, मतलब ये सारी वैल्यू इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे दी है ना, 3 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले को इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे मैं शिफ्ट करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगी कि 768 इज इक्वल टू 100000 दूसरी तरफ चली जाएंगी प्लस प्लस 197, ऐसे चली जाएंगी पीछे ये। यस सर, ये 768 कौन से ईयर की वैल्यू थी, मतलब कितने साल की डिस्काउंटिंग करूंगा जीरो पे जाने के लिए, 4 साल की, 1+x% की पावर। ये 100000 रुपए एयर थ्री का डिफरेंस था, कितने साल की डिस्काउंटिंग होगी इसकी, 768 नेगेटिव आएगा उसको वहां चेक कराओगे तब भी बात यही आ जाएगी 2, और इसकी डिस्काउंटिंग होगी 1+x% पावर 1। अब सॉल्व फॉर x करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 3.7। कैलकुलेटर कर लोगे तो आंसर दे देगा, रोने की जरूरत नहीं है बच्चों की तरह, फौरन रोना शुरू कर दो तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, हमारा आंसर नहीं आ रहा, भाई रीसेट करो कैलकुलेटर। हाँ फायदा क्या है, ऐसे कर लो, ठीक है। बात वही है, जीरो के अगेंस्ट इक्वेट ट्राई करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा तुम्हारा। भाई मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूं, बिल्कुल आसाद, बिल्कुल ऑप्शन गिवन होते हैं, जूम आउट कर दूं, ये लो आखिरी के 2 सवाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के ऊपर। स्नेहा गिवन नहीं है, दैट्स मीन्स कि दोनों के सेम होंगे, जब भी आउटफ्लो गिवन नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ सकता हूं, लास्ट में 2 सवाल करवाने, एक परपेचुइटी का, एक ईएआर का। डन, आगे बढ़ जाऊं, ओके सर।
चले भाई, किस चीज का सवाल है ये? है 12 लाख आ रहा है। तो भाई ये सवाल है परपीचुटी का और ऑर्डिनरी परपीचुटी का, ऐसा? यस सर, क्योंकि उसने हमें क्या कहते हैं कोई मैक्स पॉइंट नहीं बताया है, और मैंने आपको पहले एग्जाम में बताई थी कि कोई मेंटेनेंस का फंड हो या कोई बैगर्स फंड हो, ठीक है ना, या पेंशन वगैरह हो, ये सब किसकी है? परपीचुटी की एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। तो परपीचुटी में प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करने का क्या फॉर्मूला? पी इज इक्वल टू आर ओवर आई। तो मेरा बेटा आर कितना है इस केस में? ₹30,000 आर, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% ओवर कितना बनता है बेटा ये? बारह लाख आ रहा है। क्या मिला ये ओए करके? चलो बेटा शाबाश, आखिरी सवाल आज का फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। अच्छा बेटा इधर देखो, शाबाश, बातें नहीं। अब सर EAR का एक फॉर्मूला है जो हमने नहीं देखा था क्लास में, वो मैं अभी करवा देता हूं आपका। देखो अंडरवुड वाला, एक ये फॉर्मूला सॉल्व होगा बेटा, सही है ना? ₹8.9% आ रहा होगा। EAR के दो फॉर्मूले थे, ये हमने नहीं देखा था क्लास में। हाँ इमरान क्यों नहीं आया? अच्छा M3 लगाएंगे। तो भाई सर इस सवाल को अगर सॉल्व करते हैं हम फॉर्मूले में बेटा, तो आपका आंसर बनता होगा 8.9%, ठीक है ना। अच्छा बेटा एक काम करते हैं, यहाँ हम 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, और 10 मिनट के बाद हम लोग डेरिवेटिव्स करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेटर ट्रिक के ऊपर, सही है? ठीक है 10 मिनट बाद कैलकुलेटर ट्रिक के ऊपर डेरिवेटिव्स करते हैं। शाबाश, जल्दी से आ जाओ फिर। बिल्कुल फरीन,
डेरिवेटिव्स की तरफ मूव कर रहे हैं और बस एफएम यहाँ कंप्लीट हो गया। चले भाई देखिए शाबाश। देखो डेरिवेटिव्स जो है ना वो एक तो मैनुअल कंप्यूटेशन भी उनकी आसान होती है और जो उनकी कैलकुलेटर ट्रिक है वो भी इजी है, वो को इतना मसला नहीं होता। मैनुअल कंप्यूटेशन क्योंकि हमने क्लासेस में देख चुके हैं डिटेल में और हम कैलकुलेटर ट्रिक पे चले जाते हैं। तो मैं एक सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। अब ये क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, कहने को तो हम इसके ऊपर यू ओवर वी का फॉर्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन रूल वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसके ऑप्शन आपके सामने शो करता हूं तो इधर देखना बेटा शाबाश। ये इसके आ गए ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब सर हमने इसको बाय कैलकुलेटर परफॉर्म करना है तो आपके कैलकुलेटर में एक मोड होगा डी ओवर डी एक्स, शिफ्ट और मो मोड दबाओगे तो डी ओवर डी एक्स अंदर ये फंक्शन पुट करें जरा पूरा है, ठीक है। पहले x इज इक्वल टू 1 रखो, जरा बताना क्या आ रही है वैल्यू, माइनस 22 आ रही है। x 1 रखो ना, x 1 माइनस 14 आ रही होगी, और x इज इक्वल टू 2 रखना तो क्या आ रही है, अब प्लीज इधर देखो। अब इसको आप लोग नॉर्मली जिस तरीके से अपने पास फॉर्मूला डालते हो उसको वो डालो इस तरीके से ऑप्शन ए को, और वहां जहां जहां एक्स है वहां वन रख के चेक करो कि क्या आंसर आ रहा है, ए से वेरीफाई हो रहा है। वन रखा तो बनना है 1.4 माइनस 14 सेट है। अच्छा 2 रख के चेक करो एक्स की जगह, क्या माइनस 0.571 बन रहा है, हाँ बेटा 571 बन रहा है। अच्छा सर, अच्छा सिमिलरली तुम जब ऑप्शन 2 वेरीफाई करोगे 1 और 2 रखे तो वेरीफाई नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी रख के चेक करोगे तो वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि करके देखना चाहता तो कर भी ले, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, जो करेक्ट एमसीक्यू होगा वो किसी भी नंबर रखने से सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए आ रहा होगा आप लोग के पास। हाँ मैक्स 1, 2, 3 तक रख के चेक कर लो, ऐसे कर लो, सही है भाई। यार प्लीज बातें नहीं, आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं। ओ भाई आप करें ना, मैं पूरी क्लास रोकूंगा 200 बच्चों की आपकी वजह से। एक मिनट चिल्ला रहा बेटा वहां, बेटा इधर देखो शाबाश।
अगर वन रखो कैलकुलेटर में तो क्या आ रही है वैल्यू? -0.268, और टू रखने से 0.83। ऑप्शन वन में रखकर वेरीफाई हो रहा है वन रखने से? नहीं हो रहा, ऑप्शन ए वेरीफाई नहीं हो रहा। ऑप्शन टू, ऑप्शन ए भी वेरीफाई नहीं होगा, टू भी वेरीफाई नहीं होगा, ऑप्शन थ्री वेरीफाई हो रहा होगा, सही है ना? तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर है इस केस के अंदर, सही है भाई? बिल्कुल माइनस का लगा हुआ है। कौन है? है? सबर कर, बैठा रहे, सबर कर। चलो भाई नेक्स्ट सवाल में आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं। चले भाई, तो भाई आपके पास सवाल है, इसके चार ऑप्शन गिवन है, जीरो रखो बताओ क्या आ रहा है, वो वन रखने से क्या आ रहा है आंसर? हाँ, 1., और टू रखने से क्या आ रहा है? 3.69। ऑप्शन ए में जरा एक्स की जगह वन और टू रख के चेक करना, यही बनती है वैल्यूज। हाँ बेटा, ए में दोनों वैल्यूज वेरीफाई हो रही हैं। वैल्यूज वेरीफाई हो रही होंगी आपकी, तो उसका ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है ना? आप वैल्यू रखेंगे ना, ठीक है भाई? आगे बढ़ू मैं, अच्छा बेटा इधर देखें, ये सवाल मैंने क्लास में भी एक दो दफा करवाया, लेकिन फिर भी बच्चों को इसमें मसला आता है, क्योंकि ये कैलकुलेटर से आप नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो इसको हम लोग अगर मैनुअली करता हूं, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी इंडिपेंडेंट बेस अज्यूम करने की, इंडिपेंडेंट बेस अज्यूम करने की मैंने आपको एक प्रॉपर्टी से बताई थी कि अगर ये लिखा हुआ है लॉग ए की पावर एक्स, तो मैं एक इंडिपेंडेंट बेस अज्यूम करता हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैं बोलूंगा लॉग ई, और जो पावर में था उसको न्यूमरेटर में लिख दूंगा लॉग ई एक्स ओवर लॉग ई, और जो बेस में था उसको मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा लॉग ई की पावर एक्स लॉग लॉग ओवर लॉग ई की पावर ए, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है ना? अब मुझे पता है कि लॉग ई बराबर होता है किसके, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं ln x ओवर ln a। अब मैं इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि ln को डिफरेंशिएट करना इजी होता है। अच्छा, अब f ऑफ x इज इक्वल्स टू यूं लिख सकता हूं क्या, ln x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ln a। अब इसको और डिफरेंशिएट करते हैं, तो f बार x, ln x को डिफरेंशिएट करूंगा क्या आएगा, 1 अपॉन x, और 1 अपॉन ln a डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि इसके साथ एक कांस्टेंट वेरिएबल लगा हुआ है। तो तुम्हारे पास आंसर, तुम्हारे पास अगर मैं बोलता हूं तो आंसर होगा 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ln a। ये तो आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए मैं इस x को दोबारा न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा बेटा के माइनस का x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ln x, x की पावर माइनस वन होगा, x की पावर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ln a। अब अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं f
डबल बार एक्स, तो पावर को कोफिशिएंट से करो मल्टीप्लाई, और पावर में से एक माइनस मतलब माइनस वन, और माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई में वन अपॉन एल एन, तो ये माइनस एक्स की पावर माइनस टू न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा क्या हो जाएगा, तो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में वन अपॉन एल एन, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या हो जाएगा कि माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट एल एन, ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई जी, मैं रिपीट कर रहा हूं। अच्छा यार इधर देखो, यार इधर से बातों की आवाज नहीं आए, क्या चल रहा है पीछे यार, सवाल था आपके पास log a की पावर x ऐसा था, एक हमने इंडिपेंडेंट बेस अज्यूम करनी है, इंडिपेंडेंट बोले तो जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, आजाद है वो, ऐसा है ना, मैंने बोला एक इंडिपेंडेंट बेस अज्यूम करेंगे, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन अज्यूम करूंगा क्या e, तो मैं बोल सकता हूं log e की पावर x ex, क्योंकि x पावर में था तो मैंने उसको न्यूमरेटर में लिख लिया, और a बेस में है तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख लूंगा log e a, ये समझ में आता है, किसकी समझ नहीं आता ये चीज, क्या समझ नहीं आता फयाज, मैंने अज्यूम किया, ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी आप इंडिपेंडेंट बेस अज्यूम करके अपने इस फंक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब मैंने ये देखा था कि log e बराबर होता है आपके पास ln के, log e डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, ln डिफरेंशिएट हो सकता है, तो log e की जगह मैं ln लिख सकता हूं, ये क्या हो जाएगा ln x ओवर ln a, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि ln x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ln a, है ना। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं मेरा बेटा, तो ln x को डिफरेंशिएट करते क्या आता है फयाज बताएगा मुझे, पता नहीं, वेरी गुड, ln के साथ जो भी चीज कनेक्टेड होगी उसको फ्रैक्शन में करके लिखोगे, ln के साथ क्या लिखा हुआ है x, तो ln x को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा 1 ओवर x, 1 अपॉन ln a डिफरेंशिएट होगा नहीं होगा, क्योंकि एक कांस्टेंट वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू x, वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, वो 1 अपॉन ln a ही रहेगा, क्या यहां तक बात समझ में आती है। ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इस x को मैंने न्यूमरेटर में दोबारा शिफ्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन एल एन, अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं अगेन, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो माइनस वन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा माइनस वन एक्स, और पावर में से वन माइनस, तो माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस, तो x की पावर माइनस टू न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं यूं भी लिखता हूं कि माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर डॉट ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव इसका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये लो, यार इसको जल्दी से कॉपी करें, फिर मैंने मार्जिनल फंक्शन वाले सवाल सॉल्व करवाने, हाँ लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना वहां पर भी, ए मल्टीप्लाई बाय बी जी, अरसलान क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 कौन सा था, फाइनेंशियल मैथ्स में था,
तो बेटा वो तो बहुत ऊपर चला गया ना। हैंडआउट में हमने करा है क्वेश्चन नंबर 16। पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा पीडीएफ। अभी करवा रहा हूं ना भाई, मैं आगे बढ़ जाऊं। आप लोगों ने कॉपी कर लिया है यार, जल्दी से कॉपी करें। अर्सलान दिखा दूंगा मैं, क्लास के एंड पे दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ अंडर रूट एक्स लिखूंगा, वन ओवर एक्स होगा तो एक्स अंडर रूट में चेंज होता है ना। अभी बता रहा हूँ ना लॉग की ट्रिक भाई। अब लॉगरिथम वाले जो ln वाले सवाल होते हैं, लॉग वाले सवाल होते हैं, एक्सेप्ट कांस्टेंट वेरिएबल, तो वो कैलकुलेटर में कैसे होते हैं वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो इधर गौर से देखना है बेटा, और आगे से आगे कोई नहीं भागे, ठीक है ना। सुकून से लेके चलूंगा, अगर बीच में बातें करा नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। देखो ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x और ln x, पावर ln x है। सिंपल सा एक काम करो, जब डेरिवेटिव फंक्शन हम लोग खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो वहां पे x की पावर ln x और x इज इक्वल टू 1 डाल के देखो जरा, बताओ जरा वैल्यू क्या आ रही है। x इज इक्वल टू 1 डालें, मुझे बताइएगा वैल्यू क्या बनती है, क्या आ रही है, 0 आ रही है। ln x कहां से आएगा, कैलकुलेटर में आपके पास आंखें हैं तो देखें, जहां पे आपका राइट साइड का थंब है, राइट हैंड का वहां पर ln होगा, है ऑन की के नीचे ln होगा, ठीक है, जीरो आ रही है, कोई मसला नहीं है। फिर d ओवर dx अगेन आप लोग क्या पुट करोगे, 2 पुट करो जरा, 2 पुट करने से क्या आ रही है, 1. अब मैंने ये देखना है कि सर जहां जहां मेरे पास 0 और 1.12 दोनों अगर आ रहा होगा तो वो मेरा आंसर होगा। प्लीज अभी ना देखेंगे स्क्रीन पर, एसी की प्रेस कर दो। अब इसको मैंने नॉर्मल कैलकुलेटर में जिस तरह से डालता हूँ, डेरिवेटिव का फंक्शन यूज नहीं करना है, नॉर्मल कैलकुलेटर में ऑप्शन ए क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर 2 ln 1/1 और 1 की पावर ln 1, ऐसे पुट करो जरा कैलकुलेटर में, देखना क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। अच्छा अब इस 1 को उड़ाओ और 2 लिखो, मतलब 2 ln 2 और 2 की पावर ln 2, तो ये क्या कितनी आ रही है, 0.693। इसका मतलब 1 रखने से वेरीफाई हुआ 0 और 2 रखा तो वेरीफाई नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए मेरे पास गलत है भाई, ऑप्शन 2 बचा। ऑप्शन 2 क्या बोलता है मुझे, 2 ln x, मतलब 2 ln 1/1 करना, बताना कितना आ रहा है, तो फिर कौन कह रहा था गलत है। जब हमने a रखा था, एक मिनट ये क्या हो गया, ये पीडीएफ कहाँ चली गई अपनी वाली, ये रही। ये देखो बेटा, तो 2 ln 2/2 और 2 की पावर ln 2 रखने से क्या आंसर आ रहा था, 1.12 आ तो रहा, फिर 0.6 किसने बताया था यार, ये ऐसे नहीं करो यार, 1.12 मतलब ए तुम्हारे पास ऑप्शन है
जो वन रखने से भी वेरीफाई हुआ है और टू रखने से वेरीफाई, दैट मीन कि सर मेरे पास ए पे तो वन रखने से भी हुआ है, टू रखने से भी हुआ है, ठीक है। अब बचा ऑप्शन टू। अब ऑप्शन टू में अगर मैं टू एल एन टू ओवर टू रखना, जरा बताना क्या आ रहा है। वन रखोगे तो जीरो तो आएगा, टू रखने से क्या आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अच्छा, टू की पावर एल एन टू रखो ना, क्या आ रहा है। मतलब ऑप्शन सी चेक करो, मतलब नहीं भी नहीं आ रहा। सी चेक करना जरा कि टू एल एन टू और टू की पावर एल एन टू, ये कितना आ रहा है। ये भी नहीं आया। दसवीं के साथ मेरा ऑप्शन ए जो है अपने पास करेक्ट है, ठीक है भाई। भाई आपको बात समझ में आती है। अच्छा सर, मिसाल के तौर के ऊपर ये अगर इस तरीके से लिखा होता x log x, तो तब भी मैं log को ln से रिप्लेस करके ये मेथड करता जो मैंने अभी किया है, ठीक है ना। मतलब सवाल में जहां जहां log होगा वहां मैं ln से रिप्लेस कर दूंगा उसको, ठीक है। वो कोई ऐसा मसला नहीं होता। नहीं ln लिखेंगे अरबी जबान में, अभी बोला एक मिनट सेकंड पहले, ठीक है। अच्छा सर, फिर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला है, वो भी हम लोग कैलकुलेटर से देख लेते हैं। अच्छा ये तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं। देखो भाई ये सवाल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला, इसको डेरिवेटिव फंक्शन बना लो, मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर x ओवर x और x इज इक्वल टू वन डालो, बताना क्या आ रहा है। और टू रखना, वन पॉइंट एट फोर। अच्छा सर, अब ऑप्शन ए वेरीफाई करना है। ऑप्शन ए में e की पावर वन और वन माइनस वन ओवर वन का स्क्वायर करना कितना बनता है, जीरो। हाँ भाई जीरो बन रहा है। और अगर टू रखना e की पावर टू और टू माइनस वन ओवर टू का स्क्वायर, भाई मैं आंसर नहीं पूछ रहा, मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ कि क्या आ रही है। 1.84 आ रही है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो मेरे पास हो रहा है इजीली क्या, वेरीफाई। अच्छा ऑप्शन टू वेरीफाई करोगे तुम्हारे पास नहीं होगा, थ्री वेरीफाई करोगे नहीं होगा, फोर वेरीफाई करोगे नहीं होगा। अच्छा मिसाल के तौर पे ऊपर इधर सुनो, तुमने वन रखा जीरो आया। अब तुम अगर सारे चेक करोगे ना तो वन रखने से जीरो सब में आ रहा होगा। हमने वहां पहली दफा चेक करके नहीं छोड़ दूंगा, हमने दूसरा भी वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा मिसाल के तौर पे ऊपर वन रखने से और टू रखने से ऑप्शन ए वेरीफाई होता है और ऑप्शन बी भी वन और टू रखने दोनों से वेरीफाई हो रहा है मिसाल के तौर के ऊपर, लेकिन फिर थ्री रखोगे तो कोई एक वेरीफाई होगा। मतलब कहने का मसला ये है, कहने का मतलब ये है कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सारे नंबर रखने से तुम्हारे पास आंसर क्या देगा, सेम देगा, ठीक है ना भाई। बस तीन तक चेक कर लो, उसके बाद जरूरत नहीं है, सही है जी इल्मा। अच्छा बेटा इधर देखो, शाबाश। इल्मा सवाल दिखाना बेटा मुझे ऐसा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मुझे दिखाएगा फिर देखेंगे। अच्छा भाई अब सीन कुछ ऐसा है कि हमारे पास बचते हैं मार्जिनल फंक्शन डेरिवेटिव्स के अंदर और टाइम कोई ऑलरेडी मेरे पास है 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में मार्जिनल फंक्शन मैं नहीं समझता कि हो सकता है अपने पास, ठीक है ना। कम से कम भी हमें आधा घंटा जरूर चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि मार्जिनल फंक्शन वाले सवाल फिर हम कल के ऊपर रखते हैं, मतलब कल के ऊपर मतलब क्या है, डे टू के ऊपर। अच्छा इधर बैठो बेटा,
डे टू के मैं आपको टॉपिक लिख देता हूं ताकि ना कंफ्यूजन ना रहे। डे टू में सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव्स के अंदर मार्जिनल फंक्शन वाला सिस्टम करेंगे, ठीक है। फिर इसके इधर सुन लो बेटा, फिर इसके बाद हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, इधर सुनो जो बता रहा हूं इधर देखो। डे टू पे हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसके साथ साथ हम लोग सैंपलिंग भी कल ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब सही है ना। इधर देखो बेटा, डे टू के ऊपर हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, सही है। इसके साथ साथ अगर टाइम बचता है तो हम मैट्रिसेस करेंगे, एस्टिमेशन सैंपलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ना पूरा आएगा, ठीक है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग कयामत वाले दिन करेंगे, नहीं पढ़ाऊंगा। अबे भाई जैसे मतलब डे थ्री पे कर लेंगे वो, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वर्कशॉप में मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह आप लोगों से। अल्लाह हाफिज। कल नहीं है बेटा अरसलान, सैटरडे को होगी 12 बजे। चले अल्लाह हाफिज।